ओके ओके ठीक है ओके गाइस वेरी गुड मॉर्निंग गाइस वेरी गुड मॉर्निंग सो अब करेंगे शुरुआत हम लोग आज के लेक्चर नंबर थ्री के साथ आई होप एवरी वन इज रेडी आज शुरुआत करेंगे उस जगह से जहां पे हमने कल खत्म किया था हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी और इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको कई एग्जांपल्स लिए थे एंड वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ सोफिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात करते तो हम लोग ऐसा महसूस करते वे कंप्यूटर इज बिहेविंग लाइक ह्यूमन बींग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब कंप्यूटर हमारे साथ देखता है बोलता है सुनता है काम करता है कल हमने देखा सोफिया जैसा बात कर रही थी इसका मतलब कंप्यूटर जैसा सोच रहा है बात कर रहा है इट इज एन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल ए जो कॉन्सेप्ट है वो काफी पॉपुलर है आपके हर किसी के फोन में गूगल असिस्टेंट या सीरी के द्वारा वो आपके साथ मौजूद है आपने एलेक्सा को भी कई बार देखा होगा आप एलेक्सा को कुछ सवाल पूछते बताइए आज कोविड के कितने पेशेंट है तो अलग सब आज आपके शहर में कोविड के आज इंडिया में इतने कोविड के पेशेंट है तो सोचो दोस्तों ये सारी चीजें जो चल रही है इट इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल मैंने आपको एग्जांपल और भी दिया था कि मैं अगर गेम ऑफ चेस खेल रहा हूं तो बहुत बड़ी बात नहीं है पर अगर कंप्यूटर गेम ऑफ चेस खेल रहा है तो बहुत बड़ी बात है तो आइए देखते दोस्तों आपके सामने गेम ऑफ चेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एंड जस्ट चेक इट आउट आप मैं यहां पर यह लाइव गेम ऑफ चेस चल रहा है मैं एक मूव करता हूं वो भी एक मूव करता है देखो मैंने एक मूव किया बहुत बड़ी बात नहीं देखो मैंने एक मूव किया वो एक मूव कर रहा है यही तो है कैसे हो रहा है और आप सभी जानते हैं कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे गेम ऑफ चेस खेला हूं अब आप, आप मेरा गेम देख ही सकते हो अब देखो कितना बखूबी में खेलने वाला हूं जरा देखिए इंटरनेशनल में अपना नाम रहा है हमेशा जरा देखिए uh, देखो मैं कैसे बर्बाद करता हूं देखिए देखिए गेम देखिए आप बर्बाद ही करता हूं मैं रुके रुके दर, देखो कैसे ठोकता हूं मैं अभी देखो 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 एक दो चीज तो आप होती रहती है मैं जानबूझकर हार रहा हूं आप देख सकते हैं। देखो मैं कैसे बर्बाद कर रहा हूं इनको देखा देखा, देखा 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 आपने अब सर देखो मैं क्या करता हूं तो मैं इनको बर्बाद कर देता हूं आप समझ ही क्या होगा मेरा गेम कितना अच्छा है आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वे आई एम प्लेइंग इसको इंटरनेशनल गेम बोलते हैं। आई और आगे बढ़ते हैं। देखो देखो आपने अब तक समझ ही ले मैं किस लेवल का प्लेयर ओके <laughs> <laughs> okay, दोस्तों मजाक बाजू में रखते हैं। आपने मेरा पथेटिक गेम अभी देखा होगा पर जो भी मैंने आपको बताया है इस समय मैं गेम ऑफ चेस खेल रहा हूं वो खेल रहा है मेरे पास ब्रेन है इसको नेचुरल इंटेलिजेंस कहेंगे और जो कंप्यूटर इस समय जो खेल रहा है इट इज नथिंग बट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई होप यूर यू आर डन विद दिस ये concept आपने बखूबी समझा है कल हमने गूगल कार का भी एग्जाम्पल लिया था मैं आपके सामने एक यूट्यूब पर एक वीडियो बताऊंगा जहां पे एक आंटी अपनी गाड़ी को पार्क कर रही है और गाड़ी में आपको दिखाने जा रहा हूं ऑडी आइए देखते ऑडी ऑडी दो दे ऑडी आपके सामने आ रही है ऑडी ऑडी ऑटो पार्क तो देखिए 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 फीचर देखिए ऑडी गाड़ी का फीचर देखिए कैसे गाड़ी अपने आप ही हो जाएगी पार्क अक्सर गाड़ी को हमने समझा था कि वो देखो 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 अपने आप आपको ये वीडियो ध्यान से देखना होगा यहां एक आंटी आपके सामने आ रही है अपनी गाड़ी लेकर आ रही है और वो गाड़ी से उतरती है और वो गाड़ी को पार्क मोड में डाली है और गाड़ी फिर अपने आप ही पार्क हो जाती है इसका मतलब जो काम इंसान कर रहा, जो ड्राइवर कर रही है जो आंटी आपके सामने दिख रही है। आंटी नहीं वो तो लग रही है इट विल बी डन बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके सामने होने वाला है just check it out, just check it out, guys. देखिए देखिए कितना बखूबी गाड़िया जाएगी और अपने आप ही पार्किंग में चले जाएगी इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय बाय, सी यू। हम मिलेंगे फिर से एक बार अगले बैच में देखिए देखिए जा रही है वो अपने आप देखो देखो हा जा रही है वो एम थ्री इट आउट देख रहे हो सोचिए आप किसी पार्किंग में और अपने अपने आप गाड़ी ऐसे आ रही जिसमें ड्राइवर नहीं क्या बोल गया आप? कोई भी दो वन इन साइड द खार इट इज डन ऑटोमेटिकली अपने आप गाड़ी चल रही है यही तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब कंप्यूटर इंसानों जैसा काम करे का, इस विषय में कंप्यूटर भी ड्राइवर जो इंसान है अपने आप ही काम कर रहा हैं ड्राइवर की जरूरत ही नहीं और ऐसा पार्किंग इंसान भी क्या बात करेगा अपने आप देखिए देखिए इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजी कम ऑन गाइस आई होप आप जीवन में कभी इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे हमेशा से हमारी परंपरा ये रही है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल इतने ठोक दो कि बच्चों को ज्यादा याद करने की जरूरत ही ना पड़े सीरियस जान ऑटोमेटिकली

पर कंप्यूटर सिस्टम हैक हो सकती है ये दूसरा थ्रेट है और आप पता है ये तीसरी बात मैंने कौन सी बोली थी तीसरी बात मैंने कौन सी बोली थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा थ्रेट मैंने कौन सा बोला था आप अगर रिकॉल करेंगे तो मुझे अच्छा होगा पहला थ्रेट कौन था कि वो हमारे डेटा के ऊपर इलाका था दूसरा थ्रेट कौन सा है और तीसरा हमारा ह्यूमन स्किल खत्म हो जाएगा याद रखिए देखो एक बार में पढ़ाऊंगा याद नहीं होगा बार बार पढ़ाऊंगा याद हो जाएगा हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि आप ज्यादा घर पे पढ़ने की जरूरत न पड़े दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट फिर से एक बार दोबारा दो, दो एग्जाम्पल को देखे और आज जो तो दो एग्जाम्पल लिए है आप उसको भी अपने नोटबुक में नोट डाउन करें बिकॉज एग्जाम्पल्स मॉड्यूल्स में नहीं होते इसलिए आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है जब आप उस चीज तो को प्रैक्टिकल देखते हो तो आपको चीजें बहुत आसान लगती है मेक श्योर यू आर राइटिंग एडिशनल टू मोर एग्जाम्पल गेम ऑफ चेस एज वेल एज वॉट ऑटो पार्किंग ऑडी कार ओके okay, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों फ्रॉम द ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग को कल हमने देखा आपने समझा भी आइए देखते हैं हैं उसी क्लाउड कंप्यूटिंग पे हम लोग फिर से एक बार जाते हैं। आपके सामने जो चार्ट एक बार दिख रहा है मैं बता देना चाहता हूं इस चैप्टर में ये छह अलग अलग कॉन्सेप्ट है यानी कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है पर उसमें से हमने कौन सा टॉपिक अभी उठाया हुआ है हमने उसमें से कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को उठाया है। और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं दस अलग विषय पर हमें चर्चा करना है उसमें से एक विषय हमारा खत्म हुआ जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग दूसरा विषय हमारा खत्म हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर आप कहेंगे सर आज कुछ नया पढ़ाएंगे या फिर से क्लाउड क्लाउड के ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे और हम आपको आज नई दो टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे एक जिसका नाम है बीवाईओडी और एक जिसका नाम है मोबाइल कंप्यूटिंग और हम कोशिश ये भी करेंगे कि आज के ही लेक्चर में हम आपको वर्चुअलाइजेशन भी पढ़ा दे यानी कि आपको समझना चाहिए वी आर Uh, you know, आपको पता होना तो चाहिए बड़ा जो बच्चा है ना जायंट बच्चा है उसका नाम है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और उस एक नहीं, दोने दस दस बच्चे हुए तो इन्होंने दस बच्चों को जन्म दिया और ये सारे ये अपने आप ही अलग एक चैप्टर है अगर आप कहेंगे सर इतना टाइम अगर एक ही बच्चे में डालेंगे तो बचे हुए पांच बच्चे पांच बच्चे ना ई कॉमर्स रेस ये सब ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है आप कहेंगे और आप सवाल पूछ सर ये चैप्टर खत्म होने टाइम कितना लगेगा कम से कम सात लेक्चर लगेंगे इसको और भी विद सब कुछ आपको याद भी, जाएगा, से याद में आपको भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा आई के क्वेश्चन पे भी हम लोग सोल्व करेंगे सिर्फ आपको रोज आना है जब मैं रिवाइज करूं रिवाइज करना है फाइन okay, आप जाएंगे हम लोग कहां पे जाएंगे सर आपके सामने जो बुक है वो कौन सी ये ईस रॉक्स है ओके और इसमें हमने कौन था बोला भाई कौन सा क्वेश्चन हमने हमने देखा था क्लाउड के ऊपर क्वेश्चन राइट क्लाउड के हमने कल देखे थे, पर हमने देखे, पर की याद नहीं करे तो दोस्तों, समय आ चुका है अब उसका मेमोरी टेक्निक भी मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे उसका एक मेमोरी टेक्निक दिया हुआ है सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी टेक्निक मेमोरी कोड ये कोड होते हैं जिसकी वजह से आप सारे पॉइंट्स को याद कर पाते हो ई सब्जेक्ट में तकरीबन और एम में कम से कम 900 से हजार पॉइंट है इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर रिकॉल पॉइंट्स विदाउट यूजिंग मेमोरी टेक्निक्स टेक्निक्स वी यूज लॉट ऑफ सो यू शुड बी एबल टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट बिकॉज इफ यू डू नॉट रिमेंबर पॉइंट यू विल नॉट बी एबल टू राइट आंसर परफेक्टली इन द एग्जामिनेशन बिकॉज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आर अट मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू राइट इन करेक्ट हेडिंग्स आईसीआई विल नॉट गिव यू मार्क्स ओके

स्कोर इसीलिए बच्चों हेडिंग्स आर बट दोस्तों सिर्फ हेडिंग याद करना बिल्कुल गलत है यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज बट मीनिंग शाल रिमेन सेम उनके भी तीन लाइन के लिए इंग्लिश होगी आपकी भी तीन लाइन की इंग्लिश होगी उनकी वोकैबुलरी अलग होगी आपकी अलग होगी बट द मीनिंग ऑफ बोथ दी एक् आपका भी शाल रिमेन सेम इंग्लिश चाहे कुछ भी हो मीनिंग सेम होना चाहिए इसलिए क्या चाहिए Conceptual clarity चाहिए। जैसे आपने artificial intelligence पढ़ा, तो you have understood lot of example. इसका मतलब है। you know, इसलिए कोई भी डेटा को डायरेक्टली नहीं पढ़ने का पहले उसके एग्जाम्पल को एकदम छाट के पढ़ने का ओके चलो आइए दोस्तों इस पॉइंट को याद करने का समय आ चुका है इफ यू आई के इफ आई

देन ही विल पे यू ऑन डिमांड फिर आप उस बेचारे को जितना बोले को देगा वो देगा क्योंकि वह बेचारा साइलेंट एनड है वापस तो से बोलना इफ यू इंक्रीज द वॉट अब देखने की जरूरत हांबल वर्कलोड साइलेंट एंड दे पे यू ऑन डिमांड अच्छा एक बात लेक्चर चल रहा है तो मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ नोटिफिकेशन भगवान गए आज यहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम ना हो रात को बहुत ज्यादा तेज बारिश यहां पे हुई थी और सुनने में आया कि आज बिजली यहाँ जा सकती है जिसके से इंटरनेट कनेक्शन भी यहाँ पे लॉस हो सकता है तो अगर ऐसा अचानक से लेक्चर बंद हो जाए तो समझ जाना सच में है कि बत्ती गुल हो चुकी है मैं कोशिश करूंगा लेक्चर को वापस से करने की पर अगर नहीं हुआ और अगर मैं आपको बाय बाय ठीक से ना बोला तो समझ जाना सर के यहाँ पे वाकई में कोई प्रॉब्लम हुई है बिजली से लेकर इसके ले लिए ले लेकर बंद हुआ तो जहां से हमने उसको डिसकंटिन्यू किया है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दे दूंगा आप सभी से यह भी सूचना देना चाहता हूं स्वप्निल क्लासेस का नेशनल टेलीग्राम

टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है स्वप्न पैसे की जरूरत नहीं है।, तो पास है।, फॉर्म है और काफी इम्पोर्टेंट डेटा टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं तो ना किसी भी ऐसी हम करते हैं। बेट चार्ट। अगर आप चाहते तो मैं ये सारे चार्ट और सभी वहां पर डाल दूंगा ताकि आप क्लिक करें और डाउनलोड करें ठीक है ना यह हमारे और स्टूडेंट के बीच का एक कम्युनेशन चैनल होता है थ्रू विच वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लीज आप ज्वाइन करिएगा ठीक है आइए

यू कैन शिफ्ट डेटा फ्रॉम वन क्लाउड टू अदर क्लाउड और हो सकता है आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर भी ये डेटा को शिफ्ट कर सकते हो तो वापस बोलिए इफ यू इंक्रीज रेंट इनक्रीजलेंट है साइलेंट ऑफ साइलेंट 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 रेजिलेंसी जैसा दिखता है मुझे ऐसे साइलेंट बोलते साइलेंट पॉइंट ही है पर मैंने उसका थोड़ा सा देखो लगभग साइलेंसी दिखा साइलेंस रेजिलेंसी मतलब

If you increase the rent and scalable workload of silent tenant, 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 multi-tenancy, it's come out of a crowd. Example, go ready in client a Both sorry, client clients Okay, guys, once again, if you increase the rent and come on, scalable workload of silent tenant, they will pay, 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 pay for use. Pay. We connection successful, Lara. OBS का okay. चालू हो गया ठीक है ओके ओके डन सो वापस से इस असुविधा के लिए हमें खेद है आई एम रियली फाइंडिंग हेल्पलेस द इंटरनेट कनेक्शन गोज मैं क्या करूं मुझे आई हैव टू फाइंड आउट सम हैोल्यूशन फॉर दिस इंटरनेट कनेक्शन दो इंटरनेट कनेक्शन ले रखे ऑल ऑफ अ सडन उसका कनेक्शन चला जाता है फिर इट कम्स बैक इट इज हैपनिंग ऑन बेसिस मैं कुछ नहीं कर पा रहा बंद हो गया वापस नहीं बंद हुआ माइक चेक चेक चल रहा है इट इज अपनिंग ओके लेट्स स्टार्ट एक बार चेक करो भाई नहीं चल रहा है, घूम रहे चल रहा है okay, आवाज बड़ी करना लेट्स स्टार्ट okay, पिक्चर अटक रही पिक्चर अटक रही आवाज नहीं अटक रही हाँ मेरी पास पिक्चर अटक रही है ना ठीक है नहीं पिक्चर इज क्लियर ना पिक्चर रुक रहा है अटक रहा ना पिक्चर रुक गया ओ बच्चों मैं क्या करूँ यार आगे कंटिन्यू करूँ या रुक जाऊँ एक मिनट रुको पिक्चर रुक गई बस वर्किंग आवाज जा रही है बच्चों को पर मेरी पिक्चर रुक चुकी है पिक्चर अटक रही है मेरी तेरे पास पिक्चर मेरा मूव हो रहा है क्या बराबर हाँ तो फिर क्या करना है के। चल चालू करो मैं चलो टीवी चालू था इसलिए बंद हो रहा था ये बात भी ठीक है okay, so uh, जहां से हमने इसको रोका था पिछले पांच मिनट के लिए जो आपको असुविधा हुई है उसके लिए फिर से क्षमा चाहते हैं uh, बहुत जल्दी कुछ इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा माफी चाहते हैं ओके लेट्स स्टार्ट गाइस तो हम लोग क्या पढ़ रहे इफ यू इंक्रीज रेंट आपको एग्जाम्पल दिया था गोडाडी जिसको हम लोग मल्टी टेनसी गोडी के पास में एक बंदा नहीं है लाखों लोग उनके कस्टमर है उसको मल्टी टेनन्सी कहते हैं सो वन सेकंड बोलेंगे पे का मतलब क्या है पे, मतलब पे पर यूज उतना ही पे कहना है जितना आपने यूज किया है और ऑन डिमांड का मतलब क्या है भाई आठ आठ जीबी है नो प्रॉब्लम यू यू टू मेक इट कैन डू आप जैसे मोबाइल फोन में अपने प्लान को स्विच करते हो वैसे ही प्लान को स्विच करने का अनुमति यहां पर आपको दिया गया है तो एक बार सारे पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे देखो आपको कॉन्सेप्ट भी समझा और आपको पॉइंट्स भी याद हो गए आप कहेंगे ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से हुआ है ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सभी के पॉइंट्स इसी तरह से टेक्निक से से याद करेंगे फिर बोलेंगे इफ यू इंक्रीज द रेंट And a scalable workload of silent tenant, they will pay you on demand. एंड स्केलेबल वोड साइलेंट प नहीं है इनका रेंट एंड क्या लिखा है टेन मतलब मल्टी टेन हो सकते हैं

आपको पहले दिखा दे बीवाईओडी कॉन्सेप्ट क्या है आओ चेक करो चेक करो चेक करो कमांग गाइस कमांग चेक इट आउट देखते हैं आपके सामने ओके आइए यहां पे आपको दिख रहा होगा बी वाई ये बी वाई ओ कॉन्सेप्ट है जिसको आईसीआई ने एग्जामिनेशन में पूछा भी है अब जब देखते हैं इसका मतलब है दोस्तों आजकल आपको लगता नहीं कि हर कोई बंदे के पास में स्मार्टफोन और लैपटॉप है जैसे आप लोग के पास भी आ, पहले जमाने में हैविंग स्मार्टफोन हैविंग लैपटॉप वाज ए लग्जरी अब ये इट हैज बिकम नेसेसिटी हर किसी के पास में आजकल लैपटॉप है स्मार्टफोन है तो आपको लगता नहीं कि इनसे कुछ फायदा कंपनीज ने उठाना चाहिए तो कंपनीज क्या करती थी पहले सारे एम्प्लॉयज को अपने ऑफिस में अपने डिवाइसेज प्रोवाइड खुद से फॉर एक्साम्पल मैं इंफोसिस हूं मेरे पास तीन लाख इंप्लॉइज का तो मैं तीन लाख लोगों को मशीन कि डेस्कटॉप दिया करता था इन तीन लाख लोगों के कंप्यूटर खरीदने की कॉस्ट है मुझे यानी कि को खुद बेयर करना पड़ती थी लेट इट बी एनी बिग कंपनी हर कोई अब अगर आप मेरे इंप्लॉय बनेंगे तो मैं ही आपको डेस्कटॉप लैपटॉप दूंगा ना ऐसा पहले से चला आ रहा था एंड कंपनी टू स्पेंड सो मच ऑफ कॉस्ट फिर कई लोगों ने सोचा इतनी कॉस्ट डाल रहे इतनी कॉस्ट डाल रहे क्यों ना हम एम्प्लॉय को ही कह दे कि तुम अपना डिवाइस ऑफिस में लेकर आ जाओ सी माई एम्प्लॉयज़ आर देर ओन लैपटॉपिंग स्मार्ट डिवाइस आईपैड टेक्नोलॉजी सो वाई आई एम नॉट आस्किंग यानी कि मैं एग्जाम्पल इन्फोसिस की नारायण मूर्ति के बाद मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जब कहा आएंगे तो आपने लैपटॉप को जरूर लेकर आए और फिर उसी लैपटॉप पे काम करें तो इससे फायदा क्या होगा आपको सभी को समझ में आ गए इज एबल टू सेव ह्यूज कॉस्ट और दोस्तों सिर्फ खरीदने की नहीं मेंटेनेंस की कॉस्ट भी से हो गई यानी कि इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इंफोसिस जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर सकती है कि दे वुड बी एबल टू तो सेव ह्यूज ह्यूज कॉस्ट है ना और वैसे भी ये कॉन्सेप्ट पहले क्यों नहीं था एल क्यों दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट अर्लियर 10 इयर्स बैक इयर्स बैक दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट वेरी पॉपुलर बिकॉज पीपल वर नॉट डिवाइसेस ये सारे डिवाइसेस पहले थे ही का अरे आज के लैपटॉप का स्मार्टफोन का जमा आ गया ये दस साल दो हजार दस के बाद बात उसके पहले तो आपके पास में स्मार्टफोन और लैपटॉप की सुविधा थी ही नहीं थी मतलब बहुत रेयर लोगों के पास थे तो दोस्तों इस तरह से अगर बात करते हो काफी कंपनीज ने यूज कर चालू दिया बिकॉज ऑफ विच कॉस्ट और आज एक सवाल है आपको लगता नहीं इसको जब कंपनी जब बोलती है कि आप अपने डिवाइस लेकर आओ हो बताओ एम्प्लॉय क्यों खुश होता होगा वाई बिकम वेरी हैप्पी

उसको मजा आ रही है मोर ओवर ऑर्गेनाइज ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज एबल टू सेव ह्यूज कॉस्ट पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको मुझे बोलना है इसमें प्रॉब्लम क्या है सोचने की बात है सोचिए मैं एम्प्लॉय को बोल रहा हूं आ अपना लैपटॉप को लेके आ बट यही काम कर सोचो कितना इंपॉर्टेंट डेटा उसके लैपटॉप में स्टोर हो रहा सोचने की बात है टीसीएस इन्फोसिस जैसी जो आईटी कंपनीज है जिनका एक एक सॉफ्टवेयर पांच पांच सौ करोड़ का है आई एम आस्किंग आई एम हिम टू रिकॉर्ड द डेटा इन हिज लैपटॉप ही इज टेकिंग इट बैक होम इज ब्रिंगिंग इट बैक सोचो आते समय जाते समय इसके डेटा के साथ कुछ हो गया और हमें इंप्लॉय ने कुछ मिस यूज कर लिया हो सकता है इस लैपटॉप इज टूल ही हैज लॉस्ट इट और हो सकता है कि ही हैज दिस इंफॉर्मेशन विद कॉम्प्लीटर्स तो पैसे बचाने के चक्कर में आपको नहीं लगता कि और नेशन एक बड़ी रिस्क लिए दोस्तों बीवाईडी अच्छा कॉन्सेप्ट जरूर है एम्प्लॉय खुश है हाँ। और नेशन भी बहुत खुश है पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम द द कॉस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज थ्रेट डेटा कैन बी टैम्पर डेटा कैन बी मिस यूज आप जानते नहीं आजकल आई टी कंपनी की हालात ऐसी है कि अगर कोई आई टी कंपनी में आप जाते हो साहब तो दस बार आपका इन्वेस्टिगेशन होता है यहां तक कि आपके मोबाइल आपका मेमोरी कार्ड एवरीथिंग विल बी केप्ट आउटसाइड आपकी मेमोरी कार्ड छोटा छोटा पेन ड्राइव भी अलाउ नहीं करते बिकॉज दे आर सो मच वरीड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ डेटा तो सोचो हम लोग ऐसा करके अपने डेटा के कितनी रिस्क मोल ले रहे हैं। ले, ले भाई, ले आ तेरे काम कर अपने चंद रुपयों बचाने के लिए इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट अच्छा जरूर है पर इसमें खामियां हैं पर दोस्तों अब जरा इमेजिन करिए इसका इतना ग्रोथ क्यों हो रहा मैं आपको कुछ गूगल से डेटा बताना चाहूंगा कि इस कितना ग्रोथ हुआ है? आई चेक मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट की वजह से कितना ज्यादा पॉपुलरिटी आजकल हुई है इस कॉन्सेप्ट की मैं आपको एक ट्रू एनालिसिस दिखा रहा हूं कि क्या ट्रेंडिंग में है बहुत ट्रेंड में कॉन्सेप्ट इसीलिए तो हमारे

जिसका नाम है वर्क फ्रॉम होम जब से लॉकडाउन चालू हुआ है इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा सोचो जिन्होंने बी वाई हुआ है वो लोग तो बहुत मजे में रह गए होंगे और जिनका ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम उनके ऑर्गेनाइजेशन के लैपटॉप पर ही होता है जहां पे एम्प्लॉयज का लैपटॉप ही अलाउड नहीं है सोचो उस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन को लॉकडाउन में कितनी प्रॉब्लम आई होगी आज लॉकडाउन है भी बीवाईओडी वाले सारे मजे में बिकॉज दे आर एबल टू वर्क फ्रॉम देयर होम आल्सो बिकॉज एनीवेज दे यूज्ड टू वर्क ऑन द लैपटॉप एनीवेज हां तो पहले वो अपने लैपटॉप पे ही काम कर दे अब भी वो अपने लैपटॉप पे ही काम करे सोच कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है ये कौन कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन भी सबको सिर्फ एक चीज प्रॉब्लम है थ्रेट सिक्योरिटी अगर आप मैनेज कर लेना इसलिए आजकल बीवाई कांसेप्ट को मुनासिब कराने के लिए बड़ी बड़ी ने क्या किया ऐसे सॉफ्टवेयर भी परचेस करना चालू कर दी है कि भले ही वो लैपटॉप ले जाए लाए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं और फिर भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दे हैव डेवलप्ड सच कैन सॉफ्टवेयर विच विल प्रीवेंट डेटा लॉस, विच विल मेक श्योर दैट कंप्यूटर सिक्योर्ड द प्राइवेसी इज नॉट थैपर्ड एवरीथिंग सेफ ऐसे सॉफ्टवेयर भी आजकल आ चुके हैं यानी कि कॉस्ट भी सेव कर लिया और थ्रेड भी काफी हद तक सेव किया है तो दोस्तों जरा देखिए क्या दुनिया में ये टेक्नोलॉजी काफी सक्सेसफुल होने वाली है जी रिटेल एक्सपेक्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द मार्केट ऐसा लिखा हुआ है बहुत ही देखो मैं देखता हूं क्या लिखा है कंज्यूमराइजेशन ऑफ रिटेल वेयर द कस्टमर हैव एक्सेस ओके टू इंफॉर्मेशन वायर टेक्नोलॉजी सच एज अ क्लाउड मोबाइल सोशल इज क्रिएटिंग And new opportunities for retailers to boost customer engagement retailers are more focused on data collection to help improve customer satisfaction Organizations require employees to interact with the customers and co-workers byo helps retailers to take advantage by providing more engaging in-store experience to the customer and in turn रिड्यूसिंग द डिवाइस प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आपको समझ में आ रहा होगा आजकल कस्टमर से इंटरेक्शन करने के लिए भी इसका बहुत फायदा हो रहा है आने वाले समय में आप देख सकते हो कितनी ग्रोथ आपको यहां पर दिखाई दे रही है कनेक्टेड वेरेबल डिवाइसेस इन मिलियंस आप देख सकते हो ये, ये और ये यहां पर दिख रहा है आपको एशिया स्पेसिफिक टू विटनेस अब एशिया में कितना एशिया मतलब क्या चाइना और इंडिया जो सबसे बड़ी कंट्रीज है यहां पे देखिए यहां पे इसका कितना ग्रोथ और आप जानते हो इंडिया में पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा जो आईटी का आप जानते हो आईटी इंडिया मतलब वर्ल्ड में आई के लिए इंडिया बहुत जाना जाता है तो सोचो ऐसे समय पे कितना ज्यादा ग्रोथ यहां पे हो सकता है बहुत सारे कंपनीज अपना ह्यूज वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट सेव कर सकते हैं तो देखते हैं ये हम लोग प्रैक्टिकल डेटा देख रहे हैं कि बीवाई आखिर सिर्फ कॉन्सेप्ट है क्या वाकई में ये कॉन्सेप्ट यूज भी हो रहा है मैं जानता हूं तो है पर लोगों ने उसके भी जुगाड़ लाया उसका भी सॉफ्टवेयर लाया और अब लोग इसको शिद्दत से यूज करना चालू कर दिए लॉकडाउन के बाद में में इस कोरोना वायरस के बाद में, आपको लगता नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा काम कर रही और आगे लोगों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि वायरस रहने ही वाला है अगर ऐसी चीजें होगी तो लोग अब शॉप में ऑफिस में जाके नहीं अब घरों से काम करना सीख गए और आगे भी करते रहेंगे आइए देखिए क्या लिखा है तो पॉपुलेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन इज अ बूमिंग आप जानते हैं पॉपुलेशन कितना बूम का है लार्ज टेक्स सेविंग जनरेशन इज इंक्रीज मतलब जानते हैं की आजकल टेक्नोलॉजी लोगों ने अडॉप्ट कर ली है रिजल्टिंग इन लार्ज पोटेंशियल कस्टमर बेस हिस्स ऑर्गेस आर एडॉप्टिंग बी बाई ऑडिट्रेंड टू रिटेन एम्प्लॉज

स्मार्ट बनने वाली स्मार्ट बनने का मतलब इंटरनेट बहुत अच्छा चलने वाला है और सोचो इंटरनेट अच्छा चलेगा तो बीवा उतना ही ग्रोथ होगा ताकि लोग घर बैठे ही काम कर पाए, इंटरनेट चाहिए ना यार घर पे काम करेंगे मतलब क्या uh, मतलब घर पे काम करके घर के में थोड़ी ना स्टोर करना है घर पे काम करके आपको इधर उधर डेटा को, को सेंड करना होता है तो इसलिए यूनिड पावरफुल इंटरनेट कनेक्शन तो इसलिए ये सारी चीजें जो आने वाले जमाने में कॉन्सेप्ट काफी हमें हर जगह पे देखने मिल सकता है आई होप आपको ये कौन से देखो आपको यहाँ पे देखना है रीजनल ग्रोथ रेट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कौन से कौन से एरिया में यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे जो ग्रीन पैच है ठीक है।, है ये आपको क्या है ना मुझे आपको ये बताना बहुत ही जरूरी था यहां पे जरा देखो द कॉम्पिटेटिव राइवलरी इन द मार्केट इज हाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट प्लेयर्स लाइक वीएमवेयर सारी द प्लेयर्स इन द इंडस्ट्रीज आर कॉन्टेंटली वर्किंग ऑन डेवलपिंग द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू गेन कॉम्पिट क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है इस पॉइंट को समझाइए सर आप आपके इसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या अगर इंप्लॉय अपना लैपटॉप अगर अपने घर पे या पे ऑफिस में लेकर आ रहा है भाई ऑफिस में लेकर आना बहुत आसान है पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ऑफिस में लाए पर डेटा को न चुराए डेटा के वो लैपटॉप लाएंगे तो लेके जाएंगे ना एक तो आप उसको ये नहीं बोल सकते तेरा लैपटॉप तू तो ले आ, और ऑफिस में रख दे बोले ए भाई एक तो तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहा हूं एक तो तुम्हारे लैपटॉप ला रहा हूं तुम बोलेंगे लैपटॉप एक काम करो ना तुम तुम्हें लाइन खुजली तो तुम ही लैपटॉप दे दो चला मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूं और तुम बोल रहे लैपटॉप घर पर मतलब कोई एम्प्लॉय सुनेगा वो घर पर लेके जाए पर अपने डेटा को छेड़े नहीं के, तो ये सारी कंपनी आज कल इसके सॉफ्टवेयर बना रही है किसके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ओके आपको समझ में आ रहा है कुछ याबल टू अंडरस्टैंड तो ये सारी चीजें आने वाले समय में आई थिंक आपको ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी लोग इसको बहुत इस्तेमाल करेंगे ठीक है ना हम्म देखते हैं आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कुछ और डेटा हमारे सामने है काफी डेटा है बीवाईडी के ऊपर पर अभी हम आगे बढ़ने का समय आ चुका है एक बार जरा देखते हैं बीवाईओडी में लिखता हूँ बीवाईओडी ग्रोथ ऐसा मैं गूगल सर्च कर रहा हूं तो ये जो डेटा मुझे अभी मिला था वो कौन सी वेबसाइट से मिला था ओके अब मैं फोर्स खोजता हूँ फोर्स सुना है फोप्स? देखते हैं फोब का क्या बोलना है इसके बारे में अब फोब को नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे द फ्यूचर ऑफ बी स्टैटिस्टिक्स डी एंड बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रेप फॉर द फ्यूचर बी माइट नॉट बी एज वेल नोन एज बी ओ बी बट इवन इफ यू डू नॉट येट नोन वॉट इट मीन देर इज अ फेयर चांस यू ऑलरेडी डू इट In fact, technically speaking, we are sure just about every person in every workplace subscribes to BYOD. At the risk of keeping you in the suspense any longer, the term means this, 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 this. Okay. Of course, is famous, this so you data of the coffee authentic. BYOD, how popular it is? If you are accustomed to working on desktop computer at a traditional fixed workstation, the idea of using your own device for the work might seem little strange. That said, the number of people who incorporate their personal devices into their professional lives. क्या बोला पर्सनल डिवाइसेस इन प्रोफेशनल लाइफ आपको ये बाकी ये जो सेंटेंस है काफी दिमाग में दस्तक दे रहा होगा आपका पर्सनल लैपटॉप है पर आप उसको प्रोफेशनल काम के लिए यूज करोगे इसके से आपको तो फायदा होगा बिकॉज आप आपका लैपटॉप यूज करोगे आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होगा और मोर और ऑर्गेनाइजेशन का सोचो बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर टू सेव बिकॉज एम्प्लॉइज आर ब्रिंगिंग देयर डिवाइसेस एंडफेशनल स्टेडली इंक्रीज सिंस द एडवेंट ऑफ क्या लिखा सिंस द एडवेंट ऑफ क्या 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 बिकॉज आजकल सके साथ स्मार्टफोन भी है लैपटॉप भी और ये, बात, ये बातें आईसीए की नहीं है हम सीधा फोर्स की वेबसाइट पर जाके पढ़ रहे हैं Even the simple act of scanning or responding to work emails on your smartphone or laptop while riding the train home or doing so before bed blurs the line between the professional and private lines. आप समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर BVA अगर allowed कर दिया, तो employee would be become very flexible. He can work from home. You know, he can he can take his laptop wherever he wants and he can work. ऐसा होता है कभी मेरा एक दोस्त था. He used to stay in Mughalpattis city Pune. रात को दो बजे भी अगर उसको call आता, क्योंकि वो क्या था? He was working for USA.

बीवाईओडी देखो ये अलग अलग कंपनी के लोग हैं जिन्होंने इसको बुला है देखो यहां पे एक लाइन लिखी इसको कंपनी ने बुलाया मेक एन एनुअल सेविंग ऑफ थ्री फिफ्टी पर ईयर पर एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय के पीछे आप साढ़े तीन सौ डॉलर यानी कि लगभग मुझे लगता है ये पैसा में दो लाख रुपए का पैसा है ये इतना पैसा हम लोग सेव कर सकते हैं हर एम्प्लॉय के पीछे अगर हम लोग इसकी बात करें

पे देखो सबसे है 367 2022 30 2014 यानी कि इस मार्केट वाले समय में बढ़ने वाला है तो ये सारी प्रैक्टिकल जानकारी हासिल करने के बाद आइए बढ़ते हैं हमारे मॉड्यूल आईसीए के ऊपर आखिर आईसीए का क्या बोलना है आई थिंक आप सभी को समझ गए आप जरा हिंड डालिए आपको थोड़ा सा हम लोग समझाते बीवाईओडी क्या है अब देखते हैं का इसके ऊपर बोलना क्या प्रैक्टिकल नहीं देती वो देने का काम हम करते हैं ताकि में आसान लगने लग आए, देखते। ये है देखते आपके सामने एडवांटेज एडवांटेज ऑफ बीओडी आपको लिखना है और मैं आज ये सिर्फ हेडिंग्स लिखाऊंगा अंदर की बातें जो है आ, मैं आपको क्या करने वाला हूं मैं आपको आपने मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इसका प्रिंटआउट लिया होगा पहली बात तो आपको जो जो मैं बोल रहा हूं जहां पे आपने बुक ली है उस बुक के उस जगह पे आपको डालना है अच्छा और एक बात जब आप इसके बुक्स परचेस करते हो या मतलब जो जब पेन ड्राइव वाले से कोर्स लेते हो तो आपको आप चार किताबें ई की मिलती है और चार किताबें आपको एस की मिलती है सारी कलर होती है आठ किताबें आपको मिलती है और जो वॉल्यूम नंबर वन होता है जहां पे ये डेटा लिखा है ये वॉल्यूम नंबर से से इसको ही हमने प्रिंट करा के इसी तरह कलर फॉर्म में आपको दिया होता है वो पेजेस जो है वो है मैगजीन पेजेस मैगजीन पेज आपने कहा कि एक बड़ा ही चिकना सा पेज होता है एकदम आपको होगा ऐसा हाथ सटकता है उसके ऊपर उस टाइप के पेजेस का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे बॉल पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकती और सपोज टू यूज मार्कर पेन अगर बाजार में जाएंगे तो जरूर उसको लेकर मार्कर पेन और आपके साथ में होना चाहिए क्या? स्टिकी नोट्स यानी कि आपकी बुक इतनी सुंदर दिखना चाहिए कि आपका बार बार क्योंकि जिस सुंदरता से मैंने इस बुक को प्रेजेंट किया है मैं उम्मीद करूंगा कि डे वन से ही आप ये याद लगाए अभी तो खैराज का तीसरा दिन है तो मुझे बोलना बहुत जरूरी है आपके इसमें हाईलाइटर्स होना चाहिए आपके इसमें मार्कर पेन वो भी अलग अलग कलर के होना चाहिए और स्टिकी नोट्स होना चाहिए जब मैं आपको कहूंगा जब आपको थोड़ा सा डेटा लिखवाना होगा तो मैं बोलूंगा बच्चों विदाउट स्टिकी नोट्स वहां पर लिखवा दो जब डेटा कंटेंट ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा बच्चों स्टिकी नोट लगा और उस पर लिखना चल करो और स्टिकी नोट्स भी दो साइज के लेना स्मॉल एंड लार्ज ताकि कभी बहुत डेटा लिखना होगा तो स्मॉल और स्टिकी नोट्स में अच्छी क्या होता है वो वहा पे उस पेज पर पे चिपकता है बिकॉज पेज मैगजीन पेज है तो पक्का फिट हो जाएगा तो हम नहीं चाहते कि आप नोटबुक क्यों बोला था मैंने बनाने के लिए आपको कुछ मुझे और जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते तो मैंने आपको नोटबुक बनाने बोला था पर आप, अगर आपके साथ बुक है और सारी चीजें हो चुकी है तो आप क्या करेंगे उसके ऊपर लगाएंगे तो जिस अब जैसे मुझे हैप्पी के बारे में कुछ लिखवाना है तो मैं उसका डेटा उसी पॉइंट के बाजू में बुक में लिखवा दूंगा अगर आप नोटबुक पे लिखेगा तो हो क्या प्रॉब्लम होगी एग्जामिनेशन के पहले आपको इस बुक को भी देखना पड़ेगा उस नोटबुक को देखना पड़ेगा तो इतना टाइम है बॉस एग्जामिनेशन के पहले आपको आईडी भी पढ़ना है एस भी पढ़ना है वो भी ए, दो पेपर के बीच में का टाइम इतना कम होता है यू हैव टू फिनिश थिंग तो आप ये नोटबुक देखोगे क्या बुक देखोगे इस वोट आई डू इस आई एम ट्राइंग टू सेव यू लॉट ऑफ टाइम आपको चिट्ठियां चिपकाना उसके ऊपर चिट्ठियां आने की स्टिकी नोट्स ओके तो जल्द से जल्द अगर आपने आज भी ये प्रिंट नहीं करवाया तो जरूर प्रिंट करवाए आपकी अभी ब्लैक एंड व्हाइट नोट लगवा दें और जैसे आप ये रजिस्टर हो जाओगे तो आपके घर पे जब बुक्स आ जाएगी तो वो सारी स्टिकी नोट्स वहां से उठाकर आपके मेन बुक जो कलर्ड होगी उसके ऊपर चिपका देंगे समझ गया क्या तब तक की योजना आपको समझ गई आपका आज तो हमारे पास कुछ नहीं अरे भाई ब्लैक एंड व्हाइट बुक है ना उसके ऊपर चिपकाओ ना आप जैसे मेरी बुक आ जाएगी वहां से उठाए उसके ऊपर लगा दे आदत डालिएगा हर चीज एग्जामिनेशन के पहले करेंगे कुछ लोग की बात होती है करेंगे ना बाद में देखेंगे ना बाद में इतना क्या अभी एग्जामिनेशन दिस शुड नॉट द एटीट्यूड क्योंकि एक एक दिन हम आगे बढ़ते हैं आपको समझेगा ना दो महीने कब खत्म और क्लास कब खत्म हुई उसके बाद में रोने से इट्स बेटर यू नो मैं आपसे घर पे कुछ भी पढ़ने की उम्मीद है नहीं कर मैं क्या बोल रहा हूं आप यहां पे लगाओ इतनी सुंदर बुक बनाए आपकी कैसे मतलब आपको मजा आ जाएगा बुक आपने ऐसी किताबें जीवन में नहीं देखेंगी गारंटी जिंदगी में ऑसम है नेक्स्ट लेवल किताबें बनाई हुई है ताकि आपको ऐसा फील हो कि आप एकदम कलर्ड जिंदगी में जी रहे हो ठीक है ना पर उसको उतनी ही सुंदरता से आपको मेंटेन करना और सारे स्पेशली सारे लड़कों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि लड़कियों से सीखो कि किताब मेंटेन कैसे करते हैं एकदम शुद्धा से लिखे चिट्ठिया लगाए अंडरलाइन करें अब बोलते लड़के लोग क्या करेंगे उसको करेंगे ये करेंगे गंदा करें इतना गंदगी सीखना लड़कों से तो मैं आज सारे लड़कों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जिंदगी में शुद्धता मेंटेन है भारत स्वच्छ है स्वच्छ है ना दोस्तों आ गया कमाल वेलकम बैक सो so, एडवांटेज और फर्स्ट आपको लिखना है, बुक है। वो आप उनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं बुक में है तो दोस्तों क्या लिखेंगे खुश है जल्दी बताओ यार वाई क्यों खुश है बिकॉज दे आर यूजिंग देयर ओन दे कैन वर्क एनीवेयर दे आर दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज

ओके लोअर आईटी टी नाम से लगभग खर्चा हो गया कम किसका किसके पैसों की बचत हुई है ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू सेव ह्यूज कॉस्ट बिकॉज उनको ये सारे डिवाइसेस प्रोवाइड करने की जरूरत है नहीं है लिखिए यहां पे। लोअर आई टी बजट्स लिखो लोअर आई टी बजट्स ऑर्गेनाइशंस आर सेविंग वॉट कम ऑन था ऑर्गेनेशन क्या लिखा देखो यहां पर देखो एम्प्लॉय कुड इन्वॉल्व फाइनेंशियल सेविंग टू दर्गनेशन सिंह एम्प्लॉय वुड बी यूजिंग द डिजरेडी पजिस रिड्यूसिंग द आउटलेट ऑफ दे ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पैसे घलाने की जरूरत है नहीं।, नहीं है तो क्या लिखा आपने ऑर्गेनाइजेशन सेविंग uh, क्या लिखा आपने ऑर्गेनाइजन आर सेविंग ह्यूज ह्यूज कॉस्ट बिकॉज एम्प्लॉयज आर ब्रिंगिंग बिकॉज एम्प्लॉयज आर ब्रिंगिंग द डिवाइसेज बिकॉज एम्प्लॉयज आर ब्रिंगिंग द डिवाइसेज एम्प्लॉय डिवाइसेज खुद कर आ रहे हैं चलो कमा खबांगट इज दर्ड पॉइंट आईटी रिड्यूसेस सपोर्ट बताओ सपोर्ट कैसे कम हुआ कैसे कम हुआ अरे बच्चों डिवाइस किसके एम्प्लॉय के तो फिर उसको ठीक कौन करेगा खराब होने का एम्प्लॉय मार के बेचारा खुद करेगा ना अब ऑर्गेनाइजेशन अगर खुद लैपटॉप देता तो खुद ही सिक्योरिटी भी करना पड़ती और खुद ही इसको खराब होने पर सुधारना भी पड़ता अब ना ऑर्गेनाइजेशन लैपटॉप देती है ना लैपटॉप को मेंटेनेंस करवाती है तो के दो दो फायदे हो गए खरीदने की जरूरत ना मेंटेनेंस की जरूरत

अब विंडो टेन आया मान लो लोडो फिफ्टीन भी आ जाए कोई भी आने दो मुझे बताओ क्यों क्यों इतनी इतनी उसको जिज्ञासा होगी या वो मेहनत लेगा कि जैसी नई टेक्नोलॉजी नई लगाए बिकॉज समझने की बात है वो बेचारा अपना खुद का लैपटॉप यूज कर रहा है तो उसको फिक्र होंगी कि चलो मैं अपडेट करता हूं अपडेट ही वुड ऑलवेज वुट ही वुड ऑलवेज वॉन्ट टू अपडेट द अपडेट विद लेटेस्ट

Employees are using their own laptops because employees are using their own laptops. They would adopt, they would adopt, they would adopt technology instantly. आप क्या करें हेयर कट करना है मुझे आपको मालूम लो मैं कभी इतने बड़े बाल रखता नहीं हूं लॉकडाउन है मैं दस बार मेरी माँ को बोल चुका हूं कि मुझे हेयर कट करने दो मेरी माँ कहती है कुछ भी हो जाए हेयर कट को तो नहीं जाएगा तो ये बड़े बड़े बाल आपको दिख रहे हो ना आई एम नॉट एबल टू डू माई हेयर कट इतने बड़े बाल नहीं होते मेरे किसी लेक्चर को देखिए आप बाल को सवेर से सवेरते मेरा टाइम निकल जा रहा कोई बात नहीं आप बताएंगे क्या efficiency का मतलब बताओ Luck, कम समय में ज्यादा कम मतलब आप बहुत फास्ट हो जाते क्यों फास्ट हो रहे हैं employees? Employees उस को जिसको उनकी आदत है quite quite अगर कोई, कोई और लैपटॉप घर पर यूज करता है और ऑफिस में अचानक से उसको कोई नया लैपटॉप दिया जाता है इट अफेक्ट स्पीड बट इन दिस केस इट वॉन्ट बी अफेट बिकॉज इज यूज क्वाइट कंफर्टेबल आपका मोबाइल है अगर मैं आपको आईफोन दे रहा हूं

फील्स मोर कंफर्टेबल यूजिंग बोलो क्या ओन डिवाइस पांच पॉइंट बातों की बातों में मैंने कोई भी चीज को ई में डिफिकल्ट कुछ नहीं आपको इसलिए मैंने देखो को बुक में से बात दस मिनट तो पहले ज्ञान दिया से क्या है अच्छा बताओ पांच पॉइंट अब देखो मैं आपको मेमोरी टेक्निक बताऊंगा ऐसा करो जैसे बोलो हैप्पी करो दे

कॉस्ट एंड वो जो हाथ नीचे गया उसके ऊपर लो रिड्यूस कॉस्ट एंड इनक्रीज एफिशिएंसी बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी आई होप यू रिमेंबर दिस वन सेकंड अब देखो पांच पॉइंट्स हो गया अब जरा बताओ हैप्पी का मतलब देखो कमॉन फर्स्ट पॉइंट खत्म है क्या Aray, है नहीं पॉइंट खत्म है क्या नहीं हैप्पी एम्प्लॉई कैन रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस कॉस्ट दो पॉइंट है एक तो रिड्यूस सपोर्ट है और कॉस्ट मतलब कि बजट कम हुआ देखो कॉस्ट वहां पर कॉस्ट नाम का कोई पॉइंट नहीं बजट है कॉस्ट और बजट एक ही होता है आगे बोलो हैप्पी हैप्पी रिड्यूस मतलब क्या सपोर्ट रिड्यूस हो गया कंपनी को सपोर्ट देने की जरूरत नहीं कॉस्ट कैसे कम हो गई कंपनी को लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस कॉस्ट इंक्रीज हाँ इनक्रीज एफिशियंसी एम्प्लॉय देर एडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी इसका मतलब एम्प्लॉय वुड वॉन्ट टू एडोप्ट्यू टेक्नोलॉजी बिकॉज दे आर यूजिंग देयर ओन डिवाइस आई थिंक फिर से एक बार जो रहे हां अब चलो इशारे में एक पॉइंट बोल रहे हैप्पी एम्प्लॉइज कैन रिड्यूस रिड्यूस रिको कॉस्ट मैं रिड्यूस क्या आईटी मतलब, का सपोर्ट देने की अब कंपनी को जरूरत नहीं आईटी का सपोर्ट रिड्यूस हो गया कौन कौन सपोर्ट देंगे नहीं

हाँ, आप क्रिकेट मैचेस कभी देवांश? Yes, स्टेडियम में देखिए yes, कौन से स्टेडियम में जाके मतलब बॉम्बे जाके आईपीएल कभी देखा है yes, वहां पे कभी चिल्लाते देखा है पूरे स्टेडियम इंडिया! 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 Yes, में, yes, में वनखेड़े में तो बहुत लोग बैठे होते इंडिया ऐसा बोलते हैं सब बजाते भी ताले बजाते देखो आप इंडिया नाम की टेक्निक हमारे पास में आ चुकी है इंडिया कैसे देखो आई फॉर बोलो आई फॉर इंप्लीमेंटेशन इंडिया का स्पेलिंग क्या है देवांश बिल्कुल से एन अब आई से आई फॉर इंप्लीमेंटेशन एन फॉर नेटवर्क एन हो गया डी फॉर डिवाइस आई से कुछ नहीं साइलेंट है ओके ए फॉर एप्लीकेशन कितने पॉइंट्स है चार पॉइंट्स है सर क्या पढ़ा आप दिज आर थ्रेट्स किसके थ्रेट्स मैंने आपको पहले ही कहा था बीवाडी के फायदे फायदे मत देखो आप उसके नुकसान भी देखो ये देखो कि उसमें दर्द किसने है? चार दर्द है इंडिया नाम की उसकी टेक्निक है इंडिया इंडिया आपको भी बोलना है ऐसे ओके तो कितने थ्रेट है चार बोलो आई फोर इंप्लीमेंटेशन एन फोर नेटवर्क डी फोर डिवाइस ए फॉर एलिकेशन आप देखते क्या हो यार आपको सभी को बोला जो मैं बोल रहा हूं आप ऐसे हो कम 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 ऑन 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 गाइस गाइस यू टू टू स्पीक टॉक मी ओके इंडिया इंडिया ओके आई फॉर इंप्लीमेंटेशन एन फॉर नेटवर्क डी फॉर डिवाइस ए फॉर अब सर ये पॉइंट तो याद हो गए मीनिंग क्या आ मीनिंग में पढ़ा रहा हूं पहले अभी इस क्वेश्चन में मैंने पहले पॉइंट याद करवा दिए आप देखो किसी पॉइंट का मोजे लेंगे ओके बीमा का थ्रेड सबसे बड़ा थ्रेड आपके सामने आ रहा है डी वाले पॉइंट से आपको जवाब देना क्या लिखा ये बताएंगे क्या ये हिवाइस डिवाइस का मतलब क्या हुआ साहब ओके अब जरा देखिए दोस्तों आपके सामने मैं डिवाइस दिखा रहा हूं मुझे बताओ डिवाइस से प्रॉब्लम कैसी है कैसे डिवाइस डिवाइस से कैसे रिस्क

है ना आ गया ना पता नहीं मेरे को दिख रहा है मैं तो नहीं दिख रहा पता नहीं कुछ तो अलग ही हाँ तो, आ रहा है मुझे आ गया आ गया ठीक है पढ़ो अभी श्योर है ओके नो no प्रॉब्लम सभी फिर से एक बार आ, मैं माफी चाहना चाहूंगा कि

इनकेस लैपटॉप इज लॉस्ट हो सकता है वो ऑटो में जा रहा था ट्रेन में जा रहा था उसके लैपटॉप आप क्या करेंगे अब यह होगा हिस डेटा इज ऑल्सो लॉस्ट दोस्तों ध्यान से सुनना दर्द उसको होगा आंसू ऑर्गेनाइजेशन के निकलेंगे बिकॉज उसका लैपटॉप ले चालीस हजार का होगा ऑर्गेनाइजेशन का करोड़ों का डेटा उसके लैपटॉप में था अगर क्या होगा अगर यही डेटा किसी और को मिल गया हो सकता है वो सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा हो सकता है दिस डेटा इज वॉट ब्रिज इट इज वॉट दिसंपरिंग ऑफ डेटा हो सकता है हम लोग बीवाई में कैरी करते हैं सो प्लानिंग टू इंप्लीमेंट बीवाईडी यू ऑल शुड नो दिस इज द बिगेस्ट रिस्क इनकेस डिवाइस इज लॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा विल ऑल्सो बी लॉस्ट यार ओके क्या लिखा एक बार चेक करते हैं स्टोन डिवाइसेज कैन रिजल्ट इन वॉट इनॉर्मस फाइनेंशियल एंड रेप्यूटेशनल एम्बर्समेंट टू ऑर्गनाइजेशन एज द डिवाइस में होल्ड क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा सेंसेटिव डेटा डिवाइस के अंदर बहुत सारा सेंसेटिव डेटा हो सकता है डेटा लॉस्ट फ्रॉम स्टोन और लॉस डिज रैंक्स एज द टॉप सिक्योरिटी थ्रेड आपको समझ में आएगा बहुत सारी सिक्योरिटी का थ्रेड हो सकता है विथ ईजी एक्सेस टू कंपनीज ई मेल्स एज वेल एज कॉरपोरेट इंटरनेट कंपनी ट्रेड सीक्रेट ट्रेड सीक्रेट ट्रेड सीक्रेट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस यानी कि लैपटॉप अगर चोरी गया तो हो सकता है जो छोटा आदमी होगा जिसने लैपटॉप चुरा होगा वो कंपनी के सीक्रेट को डिस्क्लोज भी कर सकता है आइए देखते दूसरा पॉइंट आपके सामने जिसका नाम है नेटवर्क रिस्क सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोचने की बात है हा, सोचने की बात यू आर अलाउिंग देम टू यूज द डिवाइसिस जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे खुद के लैपटॉप में उनको दिया करता था एक एक लैपटॉप को चुन छुन के मैं उसकी सिक्योरिटी करता था सपोज मुझे उसके ऊपर एंटीवायरस लगाना है वट आई यूज टू डू एक एक लैपटॉप को ले लेके मैं सबके ऊपर एंटीवायरस लगाने का काम करता था सबके ऊपर फायर वॉल लगा के मैं उसकी सिक्योरिटी करता था आई यूज टू टेक ऑल द मेजर्स टू प्रिवेंट माई कंप्यूटर्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थ्रेट बट टूडे आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ हेल्पलेस मैं अपने आप को बेबस महसूस करता हूं कि बिकॉज मुझे मेरी आंखों से यह नहीं दिखता कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर और लैपटॉप है कितने इफ आई वुड हैव प्रोवाइडेड देम लैपटॉप आई वुड वुड हैव हैव सीन दैट आई चेक द सिक्योरिटी ऑफ ईच एंड एवरी कंप्यूटर बट मुझे यही नहीं समझता आज कि कौन से एम्प्लॉय कौन सा लैपटॉप यूज कर रहा है बिकॉज तो कोई लैपटॉप यूज करता है कभी कोई डिवाइस यूज करता है हो सकता है सम लैपटॉप्स आर मिस्ड सम लैपटॉप्स आर नॉट सिक्योर्ड अरे कभी वो ये लैपटॉप लेके आता है कभी वो दूसरा लैपटॉप कभी तो घर से ही काम कर रहा है तो अगर इस केस में मुझे उनको सिक्योरिटी करना है तो मुझे यही समझता है नहीं कि हाउ मेनी कंप्यूटर्स राइट नाउ कनेक्टेड टू माई नेटवर्क आई डोंट इवन नो अबाउट इट इफ आई वु प्रोवाइडेड माई कंप्यूटर्स टू देम तो आई वु नोन कि हाउ मेनी कंप्यूटर्स करेंटली कनेक्टेड टू माई नेटवर्क और कौन से कौन से कंप्यूटर को सिक्योरिटी करना है बट सिंस आई एम लविंग लैपटॉप आई एम सो हेल्पलेस आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ हेल्पलेस आई डोंट इवन नो हाउ मेनी कंप्यूटर्स राइट नाउ कनेक्टेड टू माई नेटवर्क और मुझे कुछ मैं बेबस हूं

करना है ये कब की बात होती है नहीं होता तो दिस हेल्प टू एनालाइज ट्रैफिक डेटा एन एक्सेंज होते आई टी प्रैक्टिस मीन अन बींगनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड of high importance this lack of visibility can be hazardous समझ गए

चलो देवांश अगर तुम मेरे एम्प्लॉय हो और आई एम आस्किंग यू टू ब्रिंग योर लैपटॉप आई एम द ओनर ऑफ देशन आठ घंटे मेरे ऑफिस में काम करते हो yes, आप बताओ उसके ऊपर एंटीवायरस फायरवॉल लगाने की जिम्मेदारी किसकी आप, आप एक तो पहले एहसान कर रहे हो मुझ पर अपना लैपटॉप yeah. लाकर कमारा कौन मैं ऑर्गेनाइजेशन किसकी मेरी मेहनत किसकी लैपटॉप मैंने देना चाहिए था बट तुम मेरे पर एहसान का आप मुझे बताओ सिक्योरिटी कौन लगाएगा क्यों आपका, आपका ये बोला है मेरी तो मैं सिक्योरिटी लगाऊं हर एम्प्लॉय यही सोचता है क्या सोचता है कि साला मेरा एक तो लैपटॉप भी ले आ? और सिक्योरिटी मैं में पागल हो गया मैं एक काम करो ना दीवान जैसे लोग ये बोलेंगे एक काम करो साहब रह दो इतनी खुशी तुम्हें तुम अपना लैपटॉप ही दे दो भाई एक तो लैपटॉप मेरा फोकट भी यूज कर रहे मैं उसमें एंटीवायरस लगाऊ मैं फायरवॉल लगाऊ साला फायदा तुम्हारे कंपनी कम का कमा कमारे तुम लैपटॉप मेरा एक काम करो ना भाई सिक्योरिटी लगाने का अगर मुझे बोल रहे हो, में तो क्या एम्प्लॉय विल नॉट बी रेडी टू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी अब एज ओनर में क्या बोलूंगा ये बंदा आठ घंटे मेरे यहां पर काम कर रहा है सोलह घंटे न जाने अपने लैपटॉप पे क्या क्या देखता है क्या क्या डाउनलोड करता है जाने कौन से कौन से ऐप देखता है न जाने क्या, क्या देखता है सारी गंदगी ये अपने लैपटॉप में करके ये वायरसेस लाता है गंदगी एम्प्लॉय करे और ऑर्गेनाइजेशन साफ करे सैटरडे संडे तो वैसे भी ऑफ होता है यानी कि मैक्सिमम यूसेज वो कर रहा है सिक्योरिटी हम करें ऑर्गेनाइजेशन बोलता है हम भी क्यों सिक्योरिटी करें गंदगी तुम करो हम क्यों साफ करें एम्प्लॉय सिक्योरिटी दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को लगता है ये हमारी सिक्योरिटी की जरूरत है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का ना एम्प्लॉय सिक्योर करता है ना ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर करता है और वो एप्लीकेशन और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो है सारे के सारे बगैर सिक्योरिटी के धरे के धरे रह जाते हैं ये सबसे बड़ी रिस्क है बिकॉज तुम्हें लगता है मैंने करना चाहिए मुझे लगता है कि तुमने सिक्योरिटी करना चाहिए ना तुम जानो ना हम जाने ना तुम सिक्योरिटी करो ना हम करें आई पॉइंट पढ़ते रिलेटेड रिपोर्ट रिवील दैट मेजोरिटी इंप्लाइज फोन एंड स्मार्ट डिवाइसिस दैट वर कनेक्टेड टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क वर नॉट प्रोटेक्टेड वर नॉट प्रोटेक्टेड क्यों नहीं ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट क्लियर इन डिसाइडिंग हूज रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा क्या ऑर्गेनाइजेशन इस मत को क्लियर ही नहीं कि सिक्योरिटी करने का काम देवांश का है या स्वल पाटनी का बिकॉज मुझे लगता है वो सिक्योरिटी का और उसको लगता है

अभी भी 99% लोग 95% लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे इट इज वेरी प्रैक्टिकलीफिकल्ट एम्प्लॉय पहली बात तो कन्विंस करना है एम्प्लॉय तुम लेकर आओ और दूसरी बात लेकर आए तो ये डर है कि भाई कहीं कुछ चुरा ले प्रैक्टिस समझता है कॉस्ट बड़ी से होगी पर क्या कोई इंसान करने को तैयार है क्या कोई इंसान सच में इतनी रिस्क लेने को तैयार है मैं मानता हूं तो पैसे बच रहे हैं पर क्या पैसे बचाने के लिए अपने डेटा की जान के बाजी लगाना क्या कोई ऑडिशन आसानी से एक्सेप्ट करता है बिकॉज डेटा इज हाईली इंपॉर्टेंट और दूसरी बात ए भाई एक तो पहले सैलरी मिल रही तुम कुछ अलग से दे क्या हमको नहीं दे रहे ना हमारा एम्प्लॉय हमारा है लैपटॉप हम तुम्हारे काम के लिए क्यों क्यों यूज करे इसलिए प्रैक्टिकल जीवन में इसका लेकर इंप्लीमेंट करने का रिस्क बड़ा है इतनी ऐसी पॉलिसीज़ बनाना बहुत मुश्किल है कि हर एम्प्लॉय को लैपटॉप लाना झकमार के जरूरी है

बीवाईडी पॉलिसी होती इफेक्टिव कवर द टेक्निकल इश्यूज बट ऑल्सो डेवलपमेंट बड़ा मुश्किल है।, समझता है।, ये करना बड़ा, ये करना जरूरी है पर होता नहीं ना अब स, तुम समझ रहे नहीं। ये तो लॉकडाउन जैसे हालत गई. मैंडेटरी कर रहे पर होता नहीं. अब तुम बोल रहे लोग घर के बाहर मत निकलो अब लोग बोल रहे हैं, खाने को नहीं साहब तो इसलिए आपको पता नहीं इंडिया में लॉकडाउन उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं अब ये कोई भी चीज इतनी वही मुमकिन है सर जो मुमकिन होने लायक होती है तुम बोल रहे हो इंप्लॉय को बोल रहे तेरा लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा नहीं लाता तो रहने भाई तेरी जॉब छोड़ रहा हूं इसलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट ऐसा नहीं कि कोई नहीं यूज कर रहा बट इसको मुश्किल है बहुत है ओके गाइस तो फिर से एक बार बोलेंगे आप स्टेडियम में बैठे बोलेंगे इंडिया इंडिया एग्जाम इंडिया इंडिया ओके आई फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड फॉर नेटवर्क डी फोर डिवाइस ए फोर जरूरत आई फोर क्या Implementation. इसका मतलब क्या है इसको लगाना बड़ा कठिन है बोलना नेटवर्क की ये प्रॉब्लम है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होने के बावजूद भी मुझे कोई पता नहीं कि मेरे नेटवर्क में कौन से कौन से लोगों ने कौन से कौन से लैपटॉप कनेक्ट किए अगर मुझे सिक्योरिटी करना भी तो मैं समझता ही नहीं कि मुझे सिक्योरिटी किस पे अगर काश मैंने सारे लैपटॉप प्रोवाइड किए थे तो आई वुड आई वुड डन प्रॉपर सिक्योरिटी ओके आगे बोलेंगे एन फोर नेटवर्क डी फोर डिवाइस का मतलब क्या वॉट इफ डिवाइस इज लॉस्ट उसका डिवाइस जाएगा ठीक है वो दस बीस हजार का पचास जाएगा पर तो मेरा तो करोड़ों का डेटा लॉस हो जाएगा प्रॉब्लम डिवाइस लॉस फॉर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी देवांश को लगता है मैं करूंगा और मुझे लगता है देवांश करेगा ना वो सिक्योरिटी करता है ना मैं करता ना एम्प्लॉज समझते हैं है ना ऑर्गेनाइजेशन उसको लगेगा वो करेगा उसको लगता है ये करेगा सिक्योरिटी होती इसी के साथ में बीवाओडी नाम का हमारा खत्म तो दोस्तों तो तीन कॉन्सेप्ट तो खत्म किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीवाओडी और क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रश्न बचे पर आज हाँ हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और पर इसके पहले एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए मोबाइल कंप्यूटिंग आर यू रेडी गाइस कम सो आई होप यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट जिसका नाम है मोबाइल कंप्यूटिंग ओके सो दोस्तों इस पूरे विषय में आप बताएंगे कौन से कौन से कॉन्सेप्ट है इसमें अब सर हमने बीवाईओडी को खत्म कर दिया है हमने क्लाउड को खत्म कर दिया है हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खत्म किया है अब हम बढ़ेंगे जिसका नाम है मोबाइल कंप्यूटिंग दोस्तों मोबाइल कंप्यूटिंग का नाम मिलेगा मोबाइल व्हाट देखो मोबाइल कंप्यूटिंग वर्ड शाल बी ब्रोकन डाउन टू मोबाइल एंड कंप्यूटिंग ओके व्हाट इज मीनिंग मोबाइल

मोबाइल मतलब क्या आपकी बॉडी खुद मोबाइल है एनी थिंग विच कैन बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन मोबाइल का मतलब सिर्फ मोबाइल फोन नहीं होते मोबाइल इज अ वेयर इट कैन बी मूव फ्रॉम एनी वेयर एनी लोकेशन टू एनी लोकेशन कोई भी वस्तु कोई भी कोई भी चीज अगर एक जगह से ये देखो इधर से इधर गए ये मोबाइल है राइट right? सो so, आपकी बॉडी खुद एक मोबाइल है पर दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं वट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटिंग एनीथिंग एनीथिंग विच कैन वर्क एनीथिंग विच कैन कंप्यूट लाइक कंप्यूटर्स जो एनीथिंग विच कैन फंक्शन लाइक कंप्यूटर इज कॉल्ड एस कंप्यूटिंग तो बताएंगे दोस्तों आपके सामने प्रश्न है ये मोबाइल तो है पर क्या, 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 इसमें कंप्यूटर क्या, क्या, सकते हो क्या आप इसके ऊपर खोलकर कुछ नहीं हो सकता दिस इज मोबाइल ऑल दो दिस इज मोबाइल बट दिस इज के नॉट दिस के नॉट बी कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग बिकॉज इट कैन मूव बट इट के नॉट कंप्यूटर cute. I hope you understand this. But I would like to ask you about this. This is mobile. It can be moved. But can it work like computer? Yes, this is the best example of mobile computing. It can be moved like what, you know, it is movable. But it can work like, come on, come on. It can work like what computer. <laughs> आप computer पे Excel खोलते हो, इधर भी खोलता है, इधर mobile पे laptop भी क्या बोलते हैं, इधर आप YouTube खोलते हैं, इधर खोलता है, इधर मैं email खोलते हैं, इधर भी mail इधर जो website खोलना चाहते हो, जो 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 आप इधर करोगे, वो सब कुछ इधर दर्शा मतलब क्या ये mobile

देखो मेरे यहाँ पे पीसी पड़ा हुआ है <laughs> आप मुझे बताओ ये पीसी जो हमारे घर पे पीसी और डेस्कटॉप जो होते हैं ये मोबाइल कंप्यूटिंग है कि नहीं सर पहले तो तो कंप्यूटर तो है वो कंप्यूटर जैसा ऑपरेशन तो कर लेते हैं यानी कि कंप्यूटिंग है पर वो मोबाइल नहीं है बताएंगे देवांश क्यों मोबाइल नहीं है उसकी फिक्स प्लेस है वो तो इसको कोई व्यक्ति देगा अपने अपने बैग में वो डेस्कटॉप लेके घूमता है

हम बोल रहे हैं ये मोबाइल हमेशा मोबाइल ही है ये, ये लैपटॉप हमेशा यू कैन वर्क फ्रॉम एनी वे वो डेस्कटॉप का ऐसा देयर इज अ लिमिटेशन टू इट एक आधी बार डेस्कटॉप इधर उधर लेगा इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल है अंडरस्टैंड करो कभी कोई व्यक्ति को, को, को देखा आपने बैग में आपने कभी लिया बैग में लेकर घूमता है कोई नहीं घूमता है भाई पर लैपटॉप लेकर घूमता है इसीलिए वो घर का जो कंप्यूटर इट कंप्यूटिंग पर इट इज नॉट मोबाइल दैट्स व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग अब जरा बताएंगे दोस्तों चलते फिरते चलते फिरते अगर हम वो काम जो पहले ऑफिस जाके किया करते थे अगर हम अपने ही मोबाइल अपने ही लैपटॉप पे कर रहे हैं तो हम कहेंगे हम मोबाइल कंप्यूटिंग कर रहे हैं सर मोबाइल कंप्यूटिंग कौन से फेमस क्यों जिस जस्ट थिंक अबाउट वाई इट इज सो फेमस चलते फिरते अगर हम वो काम कर पा रहे हैं जो पहले ऑफिस जाके कर रहे थे पहले री थी अब री डी 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 नहीं नाउ इट एज बिकम

स्विट्जरलैंड गया था मैं वहाँ पर आप जैसे एक वहाँ की ट्रेन बड़ी पॉश होती है आपने डी डी एल जी का भी देखा होगा ट्रेन बड़ी का सुंदर बहुत ही अच्छी ट्रेन वहाँ की एक एक लड़का वहाँ पे कुछ काम कर रहा था ही वॉज वर्किंग ऑन लैपटॉप और वहाँ के ट्रेन में ऐसे कैफेज भी होते हैं तो ही वॉज वर्किंग अपन भारतीयों को झाँकने की आदत होती है मैंने झाँक के देखा क्या कर रहा है तो मैं देख रहा भाई क्या क्या दिख रहा है खास इधर के लोग क्या देखते हैं अपने को भी में आना चाहिए ना अपन क्या देते हैं मतलब वो लोग क्या देखते हैं ऐसा कुछ खास दिख रहा है क्या हो So I found he's working something serious, okay. So then Mr. Haney, I asked him, what are you using? So he said, I'm using Freshbook. I asked him, are you using Facebook? No, no, I'm using Freshbook. No, what is it? It's an accounting application. I asked him, is it Tally? He said, what? No, I asked him, what is it? So He said, it is an accounting application. So when I had a conversation with him, I understood what he's doing. वो क्या बोल रहा था कि ऑफिस जाने के बाद में जो जो काम करना है अकाउंटिंग अपने उधर जैसे टैली उसके उदर 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 फ्रेश बुक है पर वो ऐसा सॉफ्टवेयर और ऐसा कुछ था कि जो काम ऑफिस में जाके करने वाला था वो ट्रेन में ही वो काम कर रहा था इसका मतलब क्या हुआ मोबाइल कंप्यूटिंग हुआ, हुआ मोबाइल कंप्यूटिंग yes. मतलब क्या वेनेवर वर्क इज ऑन द मूव एज मोबाइल वर्क इज ऑन द मूव वर्क इज ऑन द मूव मूव मतलब क्या चलते फिरते अगर आप वो काम ऑफिस का कर रहे हो जो पहले ऑफिस में जाकर ही क्या करता था वो काम अगर चलते फिरते हो रहे हैं तो हम कह रहे मोबाइल का सोचो ना आज कितने दिन हुए मैं अपने ऑफिस नहीं गया पर मेरा काम आज भी चल रहा है थिंक थिंक मेरा क्या पूरे इंडिया का पूरे वर्ल्ड का पूरे का। कुछ काम ऐसे जो लोग कर रहे हैं बट आई हैव टू वर्क आज मैंने क्या कर लिया अपने ही लैपटॉप को अपना ऑफिस बना लिया अपने ही मोबाइल को मैंने अपना अब दो काम जो ऑफिस में जाकर मैं क्या करता था ई देखता था मेरी वेबसाइट देखता था मेरे बैंकिंग के ट्रांजेक्शन क्या करता था अब मैं वो क्या करता हूं ऑफिस के कैबिन में बैठने के बजे यहां पे इसी रूम में बैठता हूं और जो काम कह लें मैं ट्रांसफर करने का बैंक अकाउंट से यहां से कर लेता तो. हूं पहले मैं वहां पे जाके ईमेल खोलता था आज से वह वहां पे जाके ऑफिस वेबसाइट खोलता था आज यहां पे इसका मतलब मोबाइल कंप्यूटिंग आप वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे प्लीज अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड yes, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस का इस्तेमाल बिकॉज आजकल कल क्या स्मार्टफोन आ चुके हैं तो पीपल आर यूजिंग वॉट अंडरस्टैंड करो इमेजिन करो अगर ऐसा ही होता कि ऑफिस का काम ऑफिस में जाकर ही करना पड़ा होता तो मैं आज यहां से वेबसाइट नहीं देखता मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस आ चुकी है जिसके वजह से क्या हो रहा है हम लोग मोबाइल बहुत समझते मतलब घूमते फिरते काम कर रहे हैं अब जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कोई बैंक के एप्लीकेशन की बात करते हैं चलो यहां पर आईसीआई बैंक के एप्लीकेशन तो एप। मेरे दोस्त का फोन आया मुझे भाई मुझे अभी के अभी दस लाख रुपए चाहिए तो क्या मैं उसको खड़े खड़े किसी भी जगह से क्या पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ बोलो भाई

अब अपने आप को इस लॉकडाउन के बाद में इस पूरे कोरोना के बाद में आपको समझना पड़ेगा कि मोबाइल कंप्यूटिंग का जमाना ही जमाना होगा वो बात और है कि हम लोग उसके डिवाइस यूज कर रहे हैं हमारे ब्रिंग योर ओन डिवाइस में डिवाइस लेकर वो अलग विषय है यहाँ पे अपने डिवाइस है या इंप्लॉय डिवाइस है उसके ऊपर मुद्दा नहीं चल रहा है yes, मतलब है ऑर्गेनाइजेशन लैपटॉप दे रही है वो लैपटॉप ला रहा वो विषय नहीं है राजस्थान पर रहता, रहता हूँ मैं जा रहा हूँ बस का यह मतलब नहीं कि जा रहा था, मुझे कोई है तो प्रॉब्लम है बिकॉज उसको पता है वो ट्रेन में भी जाएगा तो काम कर पाएगा वो उधर घर भी जाए तो काम कर पाएगा वो ऑफिस अपने साथ लेकर जा रहा है कभी कभी इमेज का जवाब देना मेरा दोस्त है करता है। में करता है, उसके समय पर रिप्लाई करता है इसका मतलब सोचना इसने कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है कि जमाना किस तरह से बदला है किस जमाने में हमारे पापा लोग बोलते थे चलो दुकान खोलना है सात बजे आओ दुकान खोल रहा है दुकान खोल रहा है हमारा जमाना वो नहीं है दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं जो दुकान में जाकर होने वाला है, वो घर से ही हो रहा है yes, The things changed. Understand, को आपके घर में कोई 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 किराना शॉप 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 या कपड़ों की कोई की फर्नीचर तो आपके पैर तो, चलो चलो शॉप पे जाते शॉप खोला है भाई अब शॉप खोलने की जरूरत क्या है जो शॉप खोलकर मुझे करना था या ऑफिस खोलकर जो मुझे करना था वैसे भी मैं आपने करना हूं तो फिर मुझे वहां जाने की जरूरत क्या है और किसी एक ठिकाने की जरूरत नहीं मैं कैफे में बैठा आज कल तो कई लोग देखते होंगे आप में बैठकर काम करते तो, ना भाई आप वहां वहां बैठो लिए ऑफिस बन बन गया गया इस तरह से दोस्तों ये बन गया है मोबाइल कंप्यूटिंग समझने की बात करेंगे आपको समझ आ रहा है देखो मैं आप जानते हैं मैं बहुत वर्ल्ड में घूमता हूं इधर उधर तो जाता हूं घूमना मुझे बहुत पसंद है पर किसी भी जगह पे जाओ पर ऐसा नहीं होता कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है बिकॉज मेरा पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग है मेरे पास अपना लैपटॉप रहता है मैं कहीं भी जाके इंटरनेट लगा के इंटरनेट तो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है मैं कहीं भी जाके जाके अपना ये देख सकता हूँ कि आज कितना सेल हुआ है आज क्या काम हुआ है सारी चीजें मैं अपने लैपटॉप पे देख लेता हूँ अपने मोबाइल पे तो ऐसा अभी बहुत मैं गोवा चले जाता हूँ तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि मैं ऑफिस के संपर्क में नहीं हूं चलते फिरते में काम करू अभी जैसे कि मेरे पास में मेरे मोबाइल में सीसीटीवी है तो मैं सीसीटीवी लगा के ऑफिस में सब लोग बराबर काम कर रहे हैं मतलब तो ऑफिस में बैठ कर ध्यान देन देने से अच्छा कि मेरा कौन सा क्या कर रहा है वही सारे काम मैं आपने आजकल आता है ना आप आपने पता है कि सीसीटीवी अपने मोबाइल पर देख सकते हैं तो बहुत कॉमन एप्लीकेशन है सीसीटीवी लगाओ मोबाइल से ऑपरेटर है क्या हो रहा है ये द मोबाइल कंप्यूटिंग आई होप यू आर अंडरस्टैंड मोबाइल कंप्यूटिंग क्या नहीं है मोबाइल कंप्यूटिंग क्या नहीं है ऑफिस में जाके जो काम मैं कर रहा था वो ऑफिस में जाकर ऑफिस के डेस्कटॉप से ही करने की जरूरत पड़ रही है तो मैं अकाउंटेंट है पर जो सर्विस देता है, आ, है वो, तो उसका ऑफिस भी बंद है तो मैंने पूछा भाई क्या दो, दो तीन महीने लॉकडाउन रहेंगे सर्विस देंगे एक दिन भी सर्विस में प्रॉब्लम सारे आर्टिकल्स जो है वो स्मार्ट डिवाइसेस से फोन से किधर भी रहने दो वो ऑफिस में है नहीं है अपने घर पे है किधर रहने दो आपको जो भी है आप मेल डालो आपको सर्विसेज मिलेंगी इसका मतलब क्या है पीपल आर एबल टू वर्क फ्रॉम एनी वेयर आप कौन एक अच्छी चीज दिखा हूं सबसे अच्छी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे बहुत ही उमदा है Hmm, खबरी क्लब में अंबानी इस समय भारत और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है मुकेश अंबानी का घर भी दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है उनकी पत्नी नीता अंबानी तीन लाख की चाय से अपने दिन की शुरुआत करती हैं ऐसे में मुकेश अंबानी की लाइफस्टाइल कितनी महंगी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुकेश अंबानी ने एक वैनिटी वैन खरीदी है जो काफ़ी लग्जरी है आइए देखते हैं कैसी दिखती है मुकेश अंबानी की ये वैनिटी वैन मुकेश अंबानी के पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है ऐसे में जाहिर है उनके शौक भी शाही होंगे इसलिए उन्होंने ये शानदार वैनिटी वैन बनवाई है इस वैनिटी वैन में आपको हर सुविधा मिल जाएगी आप तस्वीर के जरिए आपका एक सवाल आपका एक प्रश्न मुझे होगा कि सर आपने वैनिटी वैन बताई क्यों सोचने की बात है क्यों बताई मैंने आपको ये क्यों बताई होगी ये मुकेश अंबानी की कार मुकेश अंबानी के पास में वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है ये ऐसा ऑफिस बना दी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसमें बैठ जाते हैं इसमें टीवी लगाई इसमें कंप्यूटर से चलते फिरते मुकेश जी वो काम कर लेते हैं चलते फिरते मुकेश जी वो काम कर लेते हैं जो पहले वो ऑफिस में जाते इसको तो कहते मोबाइल कंप्यूटरिंग आप यू आर मूवेबल एंड यू आर स्टिल वर्किंग दे आर एबल टू सेव टाइम इट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इसको कहते यही तो कॉन्सेप्ट uh, है मोबाइल कंप्यूटिंग का समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ है ना जरा देखिए क्या कर रहे हैं देख ही सकते हैं ये कितनी शाही होगी अंबानी ने इस वैनिटी वैन को बनाने के लिए करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं टाइम बचाने के लिए इस वैनिटी वैन में मीटिंग एरिया भी है अंबानी के इस वैन पर बम आग और गोली का भी असर नहीं होता सामने आपको स्क्रीन दिख रही है स्क्रीन पे वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि कितना सेल हुआ कितना परचेस है कितना स्टॉक है और ये वैन चलती फिर भी काम चलता है इसका मतलब इट इस इज एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग अंडरस्टैंड को दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये अरे देखो ना ये मेरे मोबाइल पे देखो ये मोबाइल से मैं सारे यहाँ पे सुनील पटनी क्लासेस को एक्सेस कर देखो मेरा मेरी वेबसाइट यहाँ से खुलती है मेरा ऐप बना हुआ है मैं खोल लेता हूँ इसको उसके बाद मेरा मेल है जो मेरा मेल है मैं वहां से ईमेल को एक्सेस कर देखो यहाँ पे मेरा मेल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये देखो

मतलब सोचो ना पिछले तीन महीने से मैं ऑफिस नहीं गया हूं पहले ऐसा था देवांश की मतलब ऑफिन में ऑफिस जाया करता था मुझे लगता था हर काम कोई ऑफिस -कोई में जाकर ही होगा पर अब मुझे वो लॉकडाउन ने सिखा दिया कि ऐसा जरूरी नहीं जो काम मैं पहले तू एक घर कर ही सकता हूं मैं घर पे हूं कंफर्टेबल माहौल में हूं मैं यहां से काम कर ही रहा हूं तो क्या दिक्कत क्या है तो ऐसी आदतें बन चुकी है ये तो मोबाइल कंप्यूटिंग काफी पॉपुलर चुका जरा देखिए अगर मैं यहां पे जाता हूं कोई भी का एप्लीकेशन देख लीजिए आप कोई भी जगह पे कोई भी मैं यहां पे बैंकिंग एप्लीकेशन देखता हूं। मैं आपको बताने के लिए मैं आपको देखो आ, कहाँ पे ओके दिस कहा आईसीआईसी बैंक बस इस आईसीआईसी बैंक को मैं यहां पे खोल देता हूं ये आईसी बैंक ऐसे खुलती है बस आई हैव टू एंटर पासवर्ड मैं यहां से काम कर सकता हूँ इतना ही नहीं मैं शेयर मार्केट में भी काम करता हूँ मनी कंट्रोल डॉट कॉम इसमें डाउनलोडेड है मुझे कुछ शेयर को बाय करना है कुछ सेल करना है अब ऑफिस जाने की जरूरत चलते फिरते शेयर्स बाय सेल कर लेते हैं ये सब लोग कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग के कौन से पूरी तरह से समझा होगा तो जरूर लिखना है आपको लिखो गिव द हेडिंग वॉट इज मोबाइल कंप्यूटिंग राइट डाउन काउन वॉट इज मोबाइल कंप्यूटिंग वट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल देखो वेन एवर ऑफिशियल वर्क इज डन ऑन द मूव ऑन द मूव का मतलब तो समझता है एक जगह पे बैठ के नहीं चलते फिरते, फिरते कि से भी इज डन ऑन द मूव इज कॉल्ड एज वॉट मोबाइल इज कॉल्ड एज मोबाइल कंप्यूटर एग्जाम्पल्स आर कौन से कौन से एग्जाम्पल दिए मैंने बाय यूजिंग लिखो बाय यूजिंग बाय यूजिंग लैपटॉप स्मार्टफोन्स वी कैन एक्सेस अब लोग क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं हम लोग ऑफिस का एक्सेस ऑफिशियल वेबसाइट्स ईमेल्स ऑफिशियल वेबसाइट्स ईमेल्स बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स शेयर मार्केट सॉफ्टवेयर्स रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जो ऑफिस के रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी एक्सेट्रा ऑन द मूव ऑन द मूव का मतलब समझ रहे yes, चलते फिरते मतलब कहीं से ऑन द मूव समझ गया yes, बात क्लियर है yes, अब लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल व्हाट इज मोबाइल मोबाइल किसको बोलते हैं देखो एनीथिंग विच कैन बी एनीथिंग थिंग विच कैन बी कम ऑन मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन Anything which can be moved from one location to other location. go what is computing? What is computing? Computing kisko ka Any device which can work like एनी डिवाइस विच कैन वर्क लाइक बोलो किसके लाइक विच कैन वर्क लाइक कंप्यूटर फुल स्टॉप दैट इज वाय दैट इज वाय स्टाइलस पिन ये स्टाइल बोलते इसको स्टाइलिस रिमोट कंट्रोल एसी का रिमोट एसी रिमोट क्रिकेट बॉल क्या है ये सब आर मोबाइल देखो आर मोबाइल बट बट के नॉट बी कंसिडर्ड एज के नॉट बी कंसिडर्ड एज बोलो क्या मोबाइल कंप्यूटिंग, ठीक है ना कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीबडी

देवांश यहां पे मैं आईसीआई बैंक का वेबसाइट खोला तो मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है क्या है ये ये डिवाइस है फिर मैंने यहां पे क्लिक किया ये ये वेबसाइट खुली आईसीआईसी बैंक का ऐप खुला मैंने ऐप आज आजकल ऐप आते ना क्लिक करने भी खुल हैं। में खुलाते और इसमें ये सब मैंने खुला चालू किया और यहां पे लॉगिन इन करके मैं पेमेंट कर सकता हूं आपको यह एग्जाम्पल के हुए मुझे बताना है स मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या आपको भी यह लगता है आईसीआई को ऐसा लगता है पर आपको भी क्या ऐसा लगता है कि इसमें तीन कंपोनेंट का इस्तेमाल हो रहा है एक कम्युनिकेशन दो हार्डवेयर तीन सॉफ्टवेयर क्या आपको तीनों चीज इस्तेमाल हो रही है इसमें yes, क्या इसमें हार्डवेयर का आईसी से बैंक खोलने के लिए हार्डवेयर की जरूरत है yes, आ, क्या की जरूरत है yes, नहीं नहीं हार्डवेयर की जरूरत है, yes, नहीं, नहीं, की है. Yes, अरे ऐसी खुल जाता है बस आईसी से बैंक का खोलने के लिए क्या हार्डवेयर की जरूरत है क्या नहीं नहीं हार्डवेयर की जरूरत नहीं है मेरी आंखों से देखो हार्डवेयर के आईसीएस का ऐप खुल गया बस डू यू थिंक हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड सर नादान बच्चों से बात मत करिए कैसे हवा में खुलता है क्या हाथों में खुलता है क्या इसके लिए कुछ डिवाइस चाहिए ना एक लैपटॉप चाहिए एक टैबलेट चाहिए कुछ आईपैड चाहिए कुछ स्मार्टफोन चाहिए विदाउट हैविंग ऑल दिस डिवाइसेस यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस मोबाइल कंप्यूटिंग मोबाइल कंप्यूटिंग की सबसे जरूरत है एक आपके इसमें मोबाइल डिवाइस होना चाहिए हार्डवेयर बोलते हार्डवेयर इसका होना जरूरी है हार्डवेयर नहीं होता सॉफ्टवेयर खुलेगा कैसे कहां खोलेंगे आंखों में अंडरस्टैंडिंग दिस yes, तो अंडरलाइन द वर्ड हार्डवेयर और अंडरलाइन करो स्मार्टफोन पोर्टेबल लैपटॉप टैबलेट पीसी है ये सब आपके मोबाइल हार्डवेयर है ऐसे रोके पर क्या ये करने के लिए मेरे पास में स्मार्टफोन है या सॉफ्टवेयर की जरूरत है क्या yes, क्या एप्लीकेशन की जरूरत है yes, नहीं नहीं हार्डवेयर है ना मेरे पास अरेवान yes, अगर हार्डवेयर है तो मेरे सॉफ्टवेयर की जरूरत है अरे भाई पर वेबसाइट है या वो एप्लीकेशन है उसकी जरूरत क्या हार्डवेयर है मेरे पास अरे मेरा फोन एक लाख रुपए का है क्या फिर भी एप्लीकेशन की जरूरत है क्या yes, सर आपका एक लाख का फोन है दस लाख का फोन है सॉफ्टवेयर की जरूरत तो होना ही है हार्डवेयर की कॉस्ट के ऊपर सॉफ्टवेयर है अगर हार्डवेयर भले ही है और इसमें आईसीआसी बैंक ऐप नहीं है आईसी बैंक का वेबसाइट है भले ही तो आपके फंड कैसे ट्रांसफर करोगे बात कर रहे हो चलो मैं एक सवाल पूछता हूं क्या मुझे अगर मनी कंट्रोल डॉट किया फिर मान लो कोई शेयर मार्केट परचेस करना है मेरे पास हार्डवेयर क्या सॉफ्टवेयर लगेगा क्या मुझे वेबसाइट खोलना पड़ेगी वेबसाइट भी सॉफ्टवेयर ही होता है पर आप मुझे क्या क्या खोलने सिर्फ अच्छा हार्डवेयर होकर जरूरी क्या अच्छा हार्डवेयर होकर ये इनफ नहीं है हार्डवेयर के साथ में क्या सॉफ्टवेयर होना जरूरी है मतलब सिर्फ अच्छा हार्डवेयर होने से मुझे मान ली एग्जाम्पल सिंपल देवांश अगर मैं तुम्हें व्हाट्सएप भेजना चाह रहा हूं मेरे पास में स्मार्टफोन है और मुझे आपको व्हाट्सएप भेजना है क्या व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा क्यों अच्छा हार्डवेयर मेरे पास एक लाख रुपए का आईफोन है क्या फिर भी मुझे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा yes, सिंपल सी बात है हार्डवेयर चाहे कितने करोड़ों का इट ड मैटर वॉट एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन खुलता नहीं इसलिए बोलते हैं कि चाहे वो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हो चाहे वो मनी कंट्रोल का सॉफ्टवेयर हो चाहे कोई भी काम कर रहे होंगे आप आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना है या शेयर परचेस करना है मोबाइल आपको चलते फिरते कुछ भी काम करना है सिर्फ हार्डवेयर हो गया कुछ नहीं होगा हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर का होना भी ये तो देखा सॉफ्टवेयर का होना समझे आपको दो पॉइंट कौन से तो तीन कंपोनेंट कौन से होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कह सॉ ये ये कम्युनिकेशन भी चाहिए नेटवर्क भी चाहिए नेटवर्क की क्या जरूरत है उसको वो बोलते हैं इंटरनेट वर्क काम हो ही नहीं सकता अरे इंटरनेट की क्या जरूरत है उसको ये आईसीआईसीआई बैंक का ऐप खोलने के लिए और शेयर मार्केट का सॉफ्टवेयर खोलने के लिए और मेरी ऑफिस की वजह से के लिए इंटरनेट की जरूरत है एक काम करो आप मोबाइल डेटा बंद करो और फिर मुझे बारो कोई वेबसाइट खुलती है क्या फिर कोई ऐप खुलता गया यूल अंडरस्टैंड वाई एम सींग ऑल दिस नेटवर्क इज हाईली इंपॉर्टेंट विदाउट हैविंग इंटरनेट एक्सेस यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस आईसीएस यू विल नॉट भी एबल टू एक्सेस एनी बैंकिंग एप्लीकेशन एनी सॉफ्टवेयर यू विल नॉट भी एबल टू एक्सेस एनी एप्लीकेशन ना आप ईमेल मेल खोल सकते हो ना जीमेल खोल सकते हो ना मनी कंट्रोल खुलेगा आपके पास में हार्डवेयर रहने दीजिए सॉफ्टवेयर भी अरे आप एक काम करो मोबाइल डेटा बंद करो आपके कंप्यूटर में आपके मोबाइल में मोबाइल भी है आपका सॉफ्टवेयर भी है व्हाट्सएप का फिर भी आपको एस नहीं आते क्योंकि मोबाइल डेटा शुड बी ऑन इसका मतलब इंटरनेट इज रिक्वायर्ड सिंपल सी बात है मैं यहां पे आईसीएसए बैंक में आ रहा हूं बता हे आईसीएस बता मेरा बैलेंस कितना है अब हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है और बैलेंस मेरी वो क्लाउड पर है ये यहां से डेटा जाएगा क्लाउड पे वो मांगेगा बताओ पटने का बैलेंस कितना तो वहां से मेरे मोबाइल पे आएगा कैसे हवा में इसके लिए क्या चाहिए इंटरनेट इसलिए यहां पे लिखते तीसरी बात मोबाइल कम्युनिकेशन जो सीमलेस चाहिए यानी कि बहुत अच्छा चाहिए उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं इसलिए अंडरलाइन लाइंगा सीमलेस और रिलायबल कम्युनिकेशन होना जरूरी सीमलेस समझता है जो एकदम न रुकने वाला एकदम अच्छा अगर नेटवर्क अच्छा नहीं होगा

भाई डेस्कटॉप घर पे एक जगह पे फिक्स होता है ना बेटा उसको कैसे लिखेंगे उसका एग्जाम वो डेस्कटॉप लेके घूम सकते आप इसके डेस्कटॉप का नाम लिखा तो मैं मैं क्या बोल रहा हूँ ओके आप बताओ हार्डवेयर के साथ में क्या चाहिए और बिकॉज हार्डवेयर चाहे कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर वो चलता नहीं इंस्ट्रक्शन कौन देता है सॉफ्टवेयर किसको हार्डवेयर काम कौन करता है हार्डवेयर पर इंस्ट्रक्शन किसकी होती है software. तो इसलिए सॉफ्टवेयर का होना चाहे हार्डवेयर चाहे कितना भी अच्छा हो ठीक है ना तो इसलिए लिखा है पे सॉफ्टवेयर के नीचे कुछ लिखा है देखो मैं पढ़ता हूँ मोबाइल सॉफ्टवेयर इज द एक्चुअल प्रोग्राम यानी कि आईसीआईआई बैंक का सॉफ्टवेयर लीजिए आप ले ले जी ले लीजिए कोई भी शेयर मार्केट का सॉफ्टवेयर लीजिए दैट ऑन द मोबाइल हार्डवेयर डील्स विद दैट किसके ऊपर चलता है सॉफ्टवेयर मोबाइल के हार्डवेयर के ऊपर डील्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन इट इज द इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द एप्लाइंसेस एंड द इसल कंपोनेंट दैट मेक्स द मोबाइल डिवाइस ऑपरेट समझ आ रहा है कोई भी हार्डवेयर को चलाने के लिए आईसीआईसी बैंक का सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ये सारी चीज करनी देखो हार्डवेयर अगर होगा जब भी हम लोग कभी कोई मोबाइल लेते तो आप ऐप डाउनलोड विदाउट डाउनलोडिंग एप्लीकेशन नॉट बी एबल टू एंजॉय आपको पबजी खेलना है तो पबजी का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा ना। yes. आपको सॉफ्टवेयर मतलब आपको कुछ भी डालना बैंक यूज करना है या यू कोई भी चीज आपको टिकटॉक चलाना है आपको कुछ भी करना है कुछ भी बोलो तो उसके ऐप डाउनलोड करना जरूरी है ना पर इन सारे ऐप के साथ में और एक एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे सॉफ्टवेयर के पापा होते हैं सॉफ्टवेयर का पापा कौन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आप देखते होंगे आजकल स्मार्टफोन है उसके पापा कौन है उसके अंदर सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कौन सा है एंड्रॉय एंड्रॉइड इज वर्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आप इस मोबाइल में ये मोबाइल है सैमसंग है इसके अंदर आईसीआई बैंक का ही सॉफ्टवेयर नहीं है इसके अंदर सबसे पहले एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है तब जाके मोबाइल खोलता है

तो तो बताएंगे दोस्तों ये भी कौन से आपने खत्म कर दिया दोस्तों मोबाइल कंप्यूटिंग के तीन कंपोनेट बताएंगे हार्डवेयर बताएंगे मोबाइल क्या है कमॉन क्या है, है आने जाने के लिए क्या चाहिए इंटरनेट उसको बोलते हैं नेटवर्क उसको बोलते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड इट या तीन तो आज का दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमने खत्म कर लिया जिसका नाम क्या था पहले पहले तो हमने 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 देखा देखा था अब क्या मोबाइल और उसके पहले आज हमने उस टेक्निक से वो सारे पॉइंट को भी याद कर लिया था, से से? Uh, वो, वो था ना है हाँ चला जितना भी हमने क्या, एक बार करें उसको फिर वक्त मिला तो थोड़ा सा और पढ़ेंगे so, एक बार पहले हम लोग करते हैं रिवाइज एवरीबॉडी आर यू रेडी सो दोस्तों आज हमने सबसे पहले दिखाया आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो एग्जाम्पल नए आपको दिखाएगा मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलो जल्दी से बोला आपको हा वे आर कंप्यूटर बिहेव लाइक वॉक्स टॉक्स थिंग्स लाइक ह्यूमन बींगट तो बताएंगे चार पांच एग्जाम्पल कौन से कौन से आज हमने देखा, 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 देखा. गेम ऑफ आप पर मैं आर्टिफिशियल क्यों नहीं है हम भी तो ये सारे काम करते हैं बिकॉज हम लोग पास में नेचुरल बुद्धि ये गॉड गिफ्टेड है पर इन सब में सोफिया इसकी बॉडी में कोई ब्लड नहीं इसको हमने बनाया हुआ है yeah. uh, ये हो गया अब दूसरा एग्जाम्पल आपसे आप हमने आज बात की थी क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ तो आप बताएंगे कौन से इफ यू इंक्रीज द रेंट एंड इफ यू इंक्रीज द रेंट एंड स्केलेबल ऑफ टेनेंट दे विल पे ऑन डिमांड बताओ फिर हमने क्या क्या देखा था आज चलो एक बार उसको लिख के देख लेते दे जल्दी से कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे ओके आज जितना पाओ उसके ऊपर पूरा हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सब कुछ आ रहे हैं देखो सबसे पहले हमने क्या देखा इस पूरे हमने जो अब तक पढ़ा है इसका बैटरी लगाना जरूरी हो गया ना 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 ना। देखते है। क्या हो कनेक्ट हो गया रिकनेक्शन कनेक्शन भी सक्सेस अब आ रहा शायद से तो देखिए चलो हो गया ना वेरी गुड बहुत अच्छी बात है तो बताइए दोस्तों आ, हमारे पास में कल से क्या तक हमने जो जो किया हमने कॉन्सेप्ट देखा बीवाईओडी हमने कॉन्सेप्ट देखा मोबाइल कंप्यूटिंग फिर हमने कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग और हमने अब कौन सा कॉन्सेप्ट देखा या हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बताएंगे बीवाईओडी के लॉन्ग फॉर्म your... क्या है कमॉन जल्दी से बताएंगे ब्रिंग यो क्या इसमें हम अपने डिवाइस देंगे वो लेकर आएंगे इसके से ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी क्या ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइस प्रोवाइड करना पड़ेगा नहीं, नहीं। क्या ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेनेंस करना पड़ेगा नहीं, नहीं। पर क्या एम्प्लॉय खुश होंगे क्योंकि दे दे आर एबल टू यूज देयर ओन लैपटॉप विल बी मोर कंफर्टेबल एक सवाल पूछेंगे बीवाई ओडी में ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी हो पर क्या ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क कम होगी या ज्यादा बहुत ज्यादा बिकॉज एम्प्लॉय डेटा का मिस यूज कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रिंग योर

चलो तो थ्रेड्स की बात करते हैं इसका मेमोरी नहीं है इंडिया, इंडिया। ओके आई फॉर व्हाट वॉट कमाउंड इंप्लीमेंटेशन एन फॉर व्हाट नेटवर्क तीन डी से व्हाट डिवाइस और चार में लिखा है एप्लीकेशन इंडिया का आई फॉर क्या इंप्लीमेंटेशन आप पता बताओ इंप्लीमेंट करना बीआईओडी को आसान क्यों नहीं बिकॉज बहुत डिफिकल्टी इंप्लाई को ये पता नहीं कि तुम अपने डिवाइस लेकर आओ और तो और भी इंप्लीमेंट इसकी सिक्योरिटी करना तो इसका इंप्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं है नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम है मुझे खुद को ही पता नहीं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन लोग कौन से कौन से डिवाइस लेकर कर रहे अगर मुझे सिक्योरिटी करने की इच्छा तो मुझे ये पता कि किस किस को सिक्योर करे और कैसे हो सकता है कुछ डिवाइसेस मिस भी हो सकते अगर मैंने अपने ही डिवाइसेस सारे दे दिए होते तो आई वुड हैव सिक्योर्ड ईच एंड एवरी डिवाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी ट इफ वॉट हैपन्स इफ हिस्ट वॉइस इज लॉस्ट अगर वो उसने उसका डिवाइस लाया था वो खो गया तो मेरा बहुत सारा डेटा भी लॉस हो सकता है And what is the meaning of A? का याद करो क्या मतलब था इसका ना वो सिक्योरिटी करेगा ना मैं मुझे लगता है वो करेगा आज हमने मोबाइल कंप्यूटिंग को देखा कंप्यूटिंग के दो प्रश्न आपसे पूछेंगे एग्जाम्पल देंगे और दूसरा एग्जाम्पल देंगे इसके तीन कंपोनेट कौन से है तो आप बताएंगे आपको सभी को बताए गाइज व मीनिंग ऑफ मोबाइल एनिथिंग विच कैन बी मूव फ्रॉम वॉट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटिंग जो कंप्यूटर जैसा ऑपरेशन तो बताएंगे ये जो साइले से मोबाइल कंप्यूटिंग जी नहीं बिकॉल मोबाइल है पर कंप्यूटिंग मैं आपको क्रिकेट का बॉल देता हूं वो मोबाइल है पर कंप्यूटिंग नहीं।, नहीं।, नहीं है पर ये लैपटॉप की बात करूंगा और मेरे स्मार्टफोन की बात करूंगा वो मोबाइल जरूर है और साथ साथ में वो कंप्यूट भी करता है पर मेरे घर में जो डेस्कटॉप है वो 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 मोबाइल ही है पर कंप्यूटिंग जरूर है तो आप जवाब देंगे आ, मैंने आपको और भी एग्जांपल दिया मोबाइल कंप्यूटिंग के आजकल जो ऑफिस के सारे काम है मैं अपने अपने मोबाइल और लैपटॉप पे चाहे वो बैंक का सॉफ्टवेयर हो चाहे वो मनी कंट्रोल का हो चाहे जी का हो चाहे ऑफिशियल वेबसाइट हो मैं सारे काम ऑफिस जाने की बात करने की जरूरत है मैं मोबाइल से भी कर सकता हूँ इसलिए ये सारे एग्जाम्पल्स बताएंगे अगर मैं आईसीआसी बैंक के एप्लीकेशन का एग्जाम्पल ले रहा हूं अगर आप मोबाइल पे खोलता हूं तो इसके तीन कंपोनेंट कौन से कौन से

Uh, uh, कल भी हमने देखा था AI, आज करते उसको AI में क्या बताएंगे के? देंगे चलो देंगे, आज हमने गेम चेस हमने हमने देखा, देखा, फिर फिर कार देखी जो अपने आप हुई थी, फिर हमने गूगल असिस्टेंट या सीडी को देखा, ये सब एग्जाम्पल किसके कि? जब भी कंप्यूटर किसके कि साथ बिहेव करे आज देखा हमने गेम ऑफ चेस मैं खेल रहा हूं तो नेचुरल वो खेल रहा है आर्टिफिशियल कार चला काम इंसान का है पर कार अच्छा कंप्यूटर खुद चला रहा है चलना घूमना फिरना एक काम किसका होता है इंसानों का सोफिया वो कर रही है अलेक्सा हमारी बातें सुनता है हमारी बातों जैसे काम ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल है आप बताएंगे इसमें तीन कौन से कौन से सबसे पहले रिस्क है कि इसमें डेटा अगर गलत दिया तो कुछ भी करेगा दूसरी उसका हैकिंग भी हो सकता है और तीसरी हमारी ह्यूमन ह्यूमन जो स्किल है वो बर्बाद हो रही है इस तरह से इतना हमने आज तक दो तीन लेक्चर में देखा है धीरे धीरे करते करते आपके दिमाग में सारी बातें जाते रहेंगी और स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लगता होगा कि इतना स्लो स्पीड से जाते हैं हम लोग क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट के रिदम में आने टाइम लगता है एक बार आपका रिदम आ गया तो हम लोग जब देखो मैं बोलता हूं आपके दिमाग में घुसना भी चाहिए दैट इज इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूंगा दिमाग में आपको पहले तो ये बैकग्राउंड क्रिएट करना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसा है वैसा बिकॉज आप इस सब्जेक्ट के लिए पूरी तरह से नए हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सब्जेक्ट बहुत पसंद करेंगे कल आपने बहुत सारे एस एस मुझे भेजे थे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे बहुत अच्छा लगा आप जरूर व्हाट्सएप पे एस करके या यूट्यूब पे कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाए एक लेक्चर लेने के लिए 10 से 15 घंटे की मेहनत तो होती है तब जाके वो आउटपुट आपके सामने दिखता है दिस सब्जेक्ट इज नॉट सिंपल बट माय एफर्ट्स टू मेक इट वेरी सिंपल आपने एग्जाम्पल से आपको समझ में भी आप एक काम करो कभी आईसीआई का मॉडल लेकर बैठी है आपको तब समझ में आएगा यह सब्जेक्ट कितना वाहिया और कितना ड्राइक इट इज वेरी बोरिंग सब्जेक्ट बट जिस ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो आपको पॉइंट्स भी आदर हुए आपको मेरे ले कस में कसम है। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं

Love you all. Take care.